हेलो एवरीवन, इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है बनाना, रिप्रोड्यूस का मतलब होता है दोबारा से बनाना। यहाँ पे दोबारा बनाने का मतलब है अपने आप को ही दोबारा बनाना, और इस हेडिंग का मतलब है ऑर्गेनिजम्स अपने आप को दोबारा कैसे बनाता है। देखो, हाथी से हाथी का बच्चा बनता है, इंसान से इंसान का बच्चा बनता है, गुलाब के पौधे से गुलाब का पौधा बनता है। इसी को कहते हैं रिप्रोड्यूस करना, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये होता है उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है अपने जैसा। ऑर्गेनिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं बनाता, वो अपने जैसा ही नया ऑर्गेनिज्म को बनाता है। हाथी हाथी के बच्चे को पैदा करता है, इंसान इंसान के बच्चे को पैदा करता है, और वो प्रोसेस जिसके द्वारा ये होता है उसी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बट इट इज नॉट लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इन चारों प्रोसेस में से कोई एक प्रोसेस अगर बंद हो जाए, ना हो, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। पर ये रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म नहीं मरता। तो फिर रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों जरूरी है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पे लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर ऑर्गेनिज्म लाइफ प्रोसेस को करके जिंदा रहा और उसके बाद मर गया, तो अर्थ पे हम लोगों को लाइफ कहां से दिखेगा? एक लाइफ के मरने के पहले दूसरा लाइफ धरती पे आएगा, तभी तो धरती पे लाइफ रहेगा। रिप्रोडक्शन का दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। एक स्पीसीज अपने ही स्पीसीज को पैदा करेगा, दूसरे स्पीसीज को पैदा नहीं कर सकता। हम में से किसी ने डायनासोर को देखा है क्या? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि पास्ट में जितने भी डायनासोर थे सभी मर चुके हैं। अब डायनासोर को कोई दूसरा स्पीसीज पैदा नहीं कर सकता। लेकिन हम सब ने हाथी को जरूर नोटिस किया है, जरूर देखा है, क्योंकि एक हाथी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारा हाथी को पैदा करता है मरने से पहले, और पास्ट से जनरेशन आफ्टर जनरेशन हाथी से हाथी पैदा होता आ रहा है। इसीलिए हम लोग हाथी को देख पा रहे हैं और आगे भी हाथी को देख पाएंगे। अगर कोई ऐसा नेचुरल कैलामिटीज आ गया जिसकी वजह से सारा का सारा हाथी मर जाएगा, तब हम हाथी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हाथी को रिप्रोड्यूस करने वाला कोई हाथी नहीं बचेगा। सारा इंडिविजुअल ये चाहता है कि मेरा स्पीसीज कंटिन्यू रहे। रिप्रोडक्शन ही एकमात्र ऐसा प्रोसेस है जो स्पीसीज को कंटिन्यू रखता है। हम इंसान भी यही चाहते हैं ना, कि हमारा वंश आगे बढ़ता रहे, कहीं रुके ना। तीसरा इंपॉर्टेंस, रिप्रोडक्शन के दौरान हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ एडप्टेशन एंड कुछ वेरिएशन ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर जब लंबे समय तक चलता है तो इवोल्यूशन होता है। एडप्टेशन एंड वेरिएशन एक तरह का चेंज होता है, और हर किसी में ये चेंज पाया जाता है। मतलब हर कोई अपने पेरेंट से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा डेवलप्ड होता है। हम लोग कहते हैं ना, आजकल का बच्चा कितना एडवांस होता है, तो ये आजकल का बात नहीं है। बच्चे अपने पेरेंट्स से हमेशा एडवांस होते हैं, और वो इस चेंज को फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर देते हैं, अपने बच्चे को ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब हर जनरेशन अपने पिछले वाले जनरेशन से थोड़ा अलग और थोड़ा डेवलप्ड होता है, और ये चेंज करोड़ों जनरेशंस के बाद इतना ज्यादा हो जाता है कि एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज में बदल जाता है। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। हम लोग एप से इवॉल्व हुए हैं। सो रिप्रोडक्शन जरूरी है
लाइफ के कंटिन्यूएशन के लिए, स्पीसीज के कंटिन्यूएशन के लिए एंड इवोल्यूशन के लिए। और इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन होता कैसे है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करता है। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में और कौन कौन सा टॉपिक है जिसको कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझ लेते हैं। पहला टॉपिक है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। क्या बच्चा पेरेंट का एग्जैक्ट ट्रू कॉपी होता है? आंसर है नहीं। तो ये कैसे होता है, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चे में वेरिएशन होता ही है। सेकेंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। तो इस वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड टॉपिक है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में जितने सारे टाइप्स होते हैं उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, और सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हम लोग इन सभी टॉपिक्स को अलग अलग वीडियोस में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लास्ट क्लास से हम लोगों ने शुरू किया है पढ़ना क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। जिंदगी को जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है, इसीलिए ये लाइफ प्रोसेस नहीं है, लेकिन जिंदगी को आगे कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसा ही एक नए ऑर्गेनिज्म को बनाना। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली अपना ट्रू कॉपी बनाता है। दैट मीन्स डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ, मतलब बच्चा अपने पेरेंट्स का एकदम ट्रू कॉपी होता है क्या? इस चीज को सबसे पहले हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल से समझते हैं, उसके बाद हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल से समझेंगे। यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जाम्पल होता है बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया मैच्योर होने के बाद जब डिवाइड करता है या फिर रिप्रोड्यूस करता है तो दो बैक्टीरिया बनाता है। जो सेल डिवाइड करता है उसको मदर सेल कहते हैं, और डिवाइड करने के बाद, रिप्रोड्यूस करने के बाद जो बनता है उसको हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। देखो, एक मदर सेल रिप्रोड्यूस करने के बाद दो डॉटर सेल बनाता है। ये डॉटर सेल कुछ समय के बाद मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर हो जाने के बाद फिर से रिप्रोड्यूस करता है। ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ आप लोग ये नोटिस करो कि ये जो मदर सेल है एंड मैच्योर डॉटर सेल है, ये सिमिलर है, ये दोनों एक जैसा है। सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट के जैसा ही दिखता है, पेरेंट से सिमिलर होता है, क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर होता है। बॉडी डिजाइन मतलब बॉडी का फीचर्स, बॉडी का कैरेक्टर। जनरली लंबे पेरेंट्स के बच्चे लंबे ही होते हैं। मैंने यहाँ पे जो मदर सेल है इसको ओवल बनाया है, तो डॉटर मैच्योर सेल भी ओवल ही है। पेरेंट एंड बच्चे का बॉडी डिजाइन सेम इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों के न्यूक्लियस में पाए जाने वाला डीएनए सेम होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। याद करो, हम लोग ये क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। बॉडी डिजाइन डीएनए पे डिपेंड करता है। अगर डीएनए सेम तो बॉडी डिजाइन भी सेम। अगर मेरे बॉडी में जो डीएनए पाया जाता है वो हाथी के डीएनए से मैच करे तो मेरा बॉडी डिजाइन हाथी के जैसा होगा। थैंक गॉड ऐसा नहीं है, मेरा डीएनए ह्यूमन बीइंग के डीएनए जैसा है। मेरा बॉडी डिजाइन ह्यूमन बीइंग के तरह इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर डीएनए मेरे पेरेंट्स से आया है। मेरे पेरेंट्स ह्यूमन बीइंग है, उनका डीएनए मेरे अंदर आया है, इसीलिए मेरा बॉडी डिजाइन भी ह्यूमन बीइंग के जैसा है। देखो, रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट ही होता है डीएनए का कॉपी बनाना। मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स का डीएनए कैसे आएगा? इसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो सबसे पहला इवेंट होता है, जो सबसे बेसिक इवेंट होता है, वो होता है पेरेंट का डीएनए का कॉपी बनना। और ये कॉपीड डीएनए ही बच्चे के अंदर जाता है, इसीलिए बच्चा पेरेंट के जैसा होता है। मतलब बच्चे का बॉडी डिजाइन पेरेंट के जैसा होता है।
इसीलिए रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट ही होता है डीएनए का कॉपी बनना। वैसे तो आप सब डीएनए के बारे में क्लास 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन मेरे हिसाब से मोर देन 50% स्टूडेंट्स भूल चुके होंगे डीएनए के बारे में। इसीलिए डीएनए को एक बार फिर से समझते हैं। हम सबको पता है कि सारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल का बना हुआ होता है, चाहे वो एक सेल का बना हो चाहे वो बहुत सारे सेल्स का बना हुआ हो। और सेल को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं और उसको मैग्नीफाई करते हैं, तो बीच में, सेल के बीच में एक गोल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। जब हम इस न्यूक्लियस को और ज्यादा मैग्नीफाई करेंगे तो न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमैटिन कहेंगे। और जब हम इस क्रोमैटिन को और मैग्नीफाई करेंगे तो पाएंगे कि ये क्रोमैटिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का बना हुआ है। इस तरह का स्ट्रक्चर का बना हुआ है, डबल हेलिकल मतलब दो पेचदार, दो स्पाइरल स्ट्रक्चर का बना हुआ है। ये देखो, यहाँ पे ये एक स्पाइरल है और ये दूसरा स्पाइरल है, ये दोनों स्पाइरल कनेक्टेड है, इसी को कहते हैं डीएनए। ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन डीएनए से बना हुआ होता है, मतलब ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन होता है, क्रोमैटिन डीएनए से बना होता है। और जब सेल डिवाइड करता है, रिप्रोड्यूस करता है, उस वक्त ये डीएनए अपना कॉपी बनाता है, अपने आप को डुप्लीकेट करता है। कुछ इस तरह से डीएनए का दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे अलग होता है और दोनों स्ट्रैंड पे उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड अपने आप बनता जाता है। कुछ इस तरह से देखो, ये है डीएनए और ये दोनों स्ट्रैंड धीरे धीरे ये इस तरह से अलग होगा और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड धीरे धीरे बनता जाएगा और ये एक डीएनए बदल जाता है दो सेम डीएनए में। डीएनए का कॉपी बनने के बाद डिवाइडिंग सेल में, और यू कैन से मदर सेल में, ये क्रोमैटिन ठीक हो जाता है और बदल जाता है क्रोमोसोम में। ये है क्रोमोसोम, मतलब क्रोमोसोम भी बना हुआ है डीएनए से, टू सेट ऑफ सिमिलर डीएनए से। एक चीज याद रखना, किसी भी स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, अनियन में 16 क्रोमोसोम पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। यहां मान के चलो कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म का सेल है जिसमें दो क्रोमोसोम है, ये मदर सेल है। मदर सेल में क्या हुआ, ये जो क्रोमैटिन है ये थिक हो गया और ये क्रोमैटिन बदल गया दो क्रोमोसोम में। और मान लो कि ये क्रोमैटिन 100 डीएनए का बना हुआ है, तो सबसे पहले डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, दैट इज 100 डीएनए का दो सेट बना। अब ये क्रोमैटिन दो क्रोमोसोम में बदल गया, ये क्रोमोसोम, मतलब इस क्रोमोसोम में 1 to 50 डीएनए का दो सेट है और इस क्रोमोसोम में 51 से 100 डीएनए का दो सेट है। ये क्रोमोसोम भी आगे जाकर के डुप्लीकेट हो जाता है और स्प्लिट हो जाता है और इन दोनों क्रोमोसोम का एक एक आर्म एक एक डॉटर सेल में चला जाता है। देखो, इस क्रोमोसोम में 1 to 50 डीएनए का दो सेट है, तो जब इसका डुप्लीकेशन होगा तो एक आर्म में 1 to 50 डीएनए आ जाएगा और दूसरे आर्म में भी 1 to 50 डीएनए आ जाएगा। फिर जब इस क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन होगा तो इसके एक आर्म में 51 to 100 डीएनए आ जाएगा और दूसरे आर्म में भी 51 to 100 डीएनए आ जाएगा। इसका जब स्प्लिटिंग होगा तो डॉटर सेल में इसका एक आर्म चला आएगा 1 to 50 डीएनए और इसका एक आर्म चला आएगा 51 to 100 डीएनए। इसी तरह से इसमें भी एक आर्म इसका आ जाएगा और दूसरा आर्म इसका आ जाएगा। देखो, दोनों डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड टाइप ऑफ डीएनए उसके पेरेंट सेल से मिल रहा है,
इसीलिए इसका बॉडी डिजाइन कैसे होगा, पैरेट सेल के जैसा होगा। अब समझ में आ गया होगा कि बच्चे के अंदर पैरेंट का डीएनए कैसे आता है। नाउ हमारा जो बॉडी डिजाइन होता है, बॉडी का फीचर होता है, दैट इज बॉडी का जो कैरेक्टर होता है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोटीन पे। जिस तरह का प्रोटीन उस तरह का बॉडी कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम लोगों का आंख डार्क ब्राउन कलर का होता है, कुछ लोगों का आंख जो है वो ब्लू कलर का होता है। ये डार्क ब्राउन पिगमेंट की वजह से होता है एंड ब्लू कलर ब्लू पिगमेंट की वजह से होता है। ये पिगमेंट एक तरह का प्रोटीन होता है, मतलब ब्लू प्रोटीन ब्लू आंख बनाता है, डार्क ब्राउन प्रोटीन डार्क ब्राउन आंख बनाता है। एक और एग्जांपल ले लो, अगर ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा रिलीज हुआ तो इंडिविजुअल में जायगेंटिज्म हो जाता है, और ग्रोथ हार्मोन अगर नॉर्मल से कम रिलीज हुआ तो इंडिविजुअल में ड्वार्फिज्म हो जाता है। ये ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन एक तरह का प्रोटीन है। दैट मींस प्रोटीन डिसाइड करता है कि बॉडी डिजाइन बॉडी कैरेक्टर कैसा होगा। हमारे बॉडी के अलग अलग फीचर्स के लिए अलग अलग प्रोटीन होता है। दैट मींस हमारा बॉडी डिजाइन डिपेंड करता है प्रोटीन पे, जैसा प्रोटीन वैसा बॉडी डिजाइन। और प्रोटीन कैसा बनेगा, कितना बनेगा, ये डिपेंड करता है डीएनए पे, क्योंकि डीएनए में प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है। किस तरह का प्रोटीन बनेगा ये इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है। बॉडी का फीचर्स बॉडी का कैरेक्टर डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोटीन पे, एंड प्रोटीन डिपेंड करता है टाइप ऑफ डीएनए पे। जैसा डीएनए वैसा प्रोटीन, और जैसा प्रोटीन वैसा बॉडी डिजाइन बॉडी कैरेक्टर। अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि बॉडी डिजाइन डिपेंड करता है डीएनए पे। चूंकि पेरेंट एंड चाइल्ड का डीएनए करीब करीब सिमिलर होता है, इसीलिए उनका बॉडी डिजाइन भी सिमिलर होता है। मैंने यहाँ पे सिमिलर कहा है, एग्जैक्ट सेम नहीं कहा, क्योंकि एग्जैक्ट सेम होता ही नहीं है। क्योंकि डीएनए का जो डुप्लीकेशन होता है, दैट इज डीएनए का जो कॉपी बनता है रिप्रोडक्टिव फेज में, वो बायोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। सिंपल केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमेशा एक जैसा ही होता है, मतलब अगर रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा एक जैसा ही बनेगा। लेकिन जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है वो हर बार थोड़ा बहुत अलग होता है, इसीलिए जो प्रोडक्ट बनता है वो पहले वाले प्रोडक्ट से थोड़ा अलग होता है, मतलब जो प्रोडक्ट बना उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो बहुत आसान है, पेरेंट डीएनए अपना कॉपी बनाता है विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन ये जो कॉपी बनता है ये पेरेंट वाले डीएनए से थोड़ा अलग होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता। दैट इज डीएनए का जो कॉपी बनता है वो सिमिलर तो होता है अपने पेरेंट डीएनए से, लेकिन ओरिजिनल डीएनए से पेरेंट डीएनए का एकदम एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता है। वो हर बार थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिलता ही है। और अभी अभी हम लोग समझे हैं, जैसा डीएनए वैसा प्रोटीन, जैसा प्रोटीन वैसा बॉडी डिजाइन बॉडी फीचर। बच्चे में जो डीएनए आता है वो उसके पेरेंट से थोड़ा अलग होता है, इसीलिए हमेशा बच्चा अपने पेरेंट से थोड़ा अलग होता है। दस ऑर्गेनिज्म डू नॉट क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। यहाँ पे एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ। देखो बहुत आसान है, बच्चा अपने पेरेंट्स के जैसा होता है क्योंकि पेरेंट में और बच्चे में सिमिलर डीएनए पाया जाता है। पेरेंट का डीएनए कॉपी होता है और वो कॉपी डीएनए बच्चे में आता है, लेकिन जो पेरेंट का डीएनए कॉपी होता है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बन पाता। एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन थोड़ा अलग होता ही है, मतलब वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि डीएनए में वेरिएशन आ जाता है। और करोड़ों जेनरेशन के बाद वेरिएशन आते आते इवोल्यूशन हो जाता है, मतलब वेरिएशन ही इवोल्यूशन का बेस है, बेसिक है। जनरली ये वेरिएशन एडेप्टेशन के लिए अच्छा होता है,
ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ये वेरिएशन ड्रास्टिक हो जाता है और इस वेरिएशन की वजह से बच्चे का डेथ भी हो जाता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जहां रिप्रोडक्शन के लिए सिंगल पेरेंट चाहिए, वहां पे ये वेरिएशन बहुत 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 कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता है। और मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म में ये वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ रिप्रोडक्शन के लिए दो पेरेंट चाहिए, एक मेल पेरेंट चाहिए और एक फीमेल पेरेंट चाहिए। इस चीज को ह्यूमन बींग के एग्जाम्पल से समझते हैं। ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन के लिए एक फीमेल चाहिए और एक मेल चाहिए, दोनों में 46 क्रोमोसोम है। अब ये दोनों गैमेट बनाएगा, फीमेल एग बनाएगी, मेल स्पर्म बनाएगा, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अब ये गैमेट आपस में फर्टिलाइज करेगा और जायगोट बनाएगा, जायगोट में 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। ये जायगोट बड़ा होगा, ग्रो होगा और एक इंडिविजुअल बेबी बन जाएगा। देखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही पेरेंट अपने डीएनए का कॉपी बनाएगा, लेकिन मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म में, एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग में, फीमेल भी अपना डीएनए का कॉपी बनाएगी, मेल भी अपना डीएनए का कॉपी बनाएगा। अब ये दोनों डीएनए मिल करके एक जायगोट बनेगा। इस जायगोट में दोनों तरह का डीएनए मिलेगा और एक तीसरा तरह का डीएनए बनेगा। इसीलिए मल्टीसेलुलर हायर ऑर्गेनिज्म में जहां पे दो पार्टनर चाहिए, वहां पे वेरिएशन ज्यादा होता है। और ये वेरिएशन एडेप्टेशन के लिए अच्छा होता है, ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अच्छा होता है। इतना ही नहीं, ये वेरिएशन इवोल्यूशन का बेसिस होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा कि ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता तो है, लेकिन ठीक अपने जैसा एग्जैक्ट ट्रू कॉपी नहीं बना पाता है। जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी पेरेंट सेल से न्यू सेल बनता है, तो न्यू सेल के डीएनए में कुछ चेंज जरूर देखने को मिलता है। डीएनए में चेंज मतलब कैरेक्टर में चेंज। इस चेंज को ही वेरिएशन कहते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर में पाया जाने वाला वो चेंज जो कि उसके पेरेंट्स में नहीं था, उसी को हम वेरिएशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी आंखें ब्लू कलर की है और आपके पेरेंट्स की आंखें डार्क ब्राउन कलर की है। ये बदला हुआ कैरेक्टर ही वेरिएशन कहलाता है। ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स होता है। और इस क्लास में हम ये समझेंगे कि वेरिएशन का क्या इम्पोर्टेंस होता है। जनरली वेरिएशन ऑर्गेनिज्म्स के लिए यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है, लेकिन कभी कभी हार्मफुल भी होता है। देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म वही रहना पसंद करता है जहां उसको इजीली खाना मिल जाए, जहां वो इजीली रिप्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मछलियां पानी में रहती है, हम इंसान लैंड पे रहते हैं, बर्ड्स ट्री में रहती हैं। अब थोड़ा ध्यान से समझो, एक पर्टिकुलर एरिया जहां पे एक स्पीशीज रहता है, वो एरिया उस स्पीशीज का नीश कहलाता है। एक स्पीशीज एक इकोसिस्टम के एक वेल डिफाइंड नीश के ऊपर कब्जा कर लेता है। कैसे करता है? अपने रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी को यूज करके। देखो, बहुत आसान है। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम एक स्पॉइल्ड ब्रेड को छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू हो जाता है। ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर एक तरह का फंजाई है, जिसको कि हम लोग मोल्ड कहते हैं। मोल्ड इसके ऊपर क्यों ग्रो करता है? क्योंकि मोल्ड को यहाँ पे इजीली न्यूट्रिशन मिलता है, मोल्ड यहाँ पे इजीली रिप्रोड्यूस कर सकता है, इसीलिए ये ब्रेड, ये स्पॉइल ब्रेड मोल्ड का नीश हुआ। और जब भी किसी स्पीशीज को उसका नीश मिलता है, तो वो उसको कैप्चर कर लेता है, उसको ऑक्यूपाई कर लेता है अपने रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को यूज करके। तो ये मोल्ड भी धीरे धीरे यहाँ पे रिप्रोड्यूस करता जाएगा और अपना कॉलोनी बनाता जाएगा, अपने पॉपुलेशन को इंक्रीज करता जाएगा और धीरे धीरे इस पूरे ब्रेड को ऑक्यूपाई कर लेगा। इंसान का ही एग्जांपल ले लो, हम इंसान किसी बंजर जगह में जाकर थोड़ी ना रहते हैं, हम
उस जगह को चूज करते हैं जहां पे हम आसानी से रह सके, हमें आसानी से खाना पानी वगैरह मिल सके। पहले तो उस जगह पे बहुत कम लोग होते हैं, धीरे धीरे वहां का पॉपुलेशन बढ़ जाता है और वो जगह वेल डेवलप्ड हो जाता है। नाउ रिप्रोडक्शन के दौरान डीएनए का कॉपी होना कंसिस्टेंसी के साथ जरूरी है, मतलब हर बार डीएनए का कॉपी होना जरूरी है ताकि बॉडी डिजाइन फीचर्स मेंटेन रह सके, मतलब एक जैसा रह सके। जैसा बॉडी डिजाइन पेरेंट का, वैसा ही बॉडी डिजाइन यंग वन का, चिल्ड्रन का रह सके। और इसी की वजह से एक ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर नीश को यूज कर पाता है। देखो बहुत आसान है, रिप्रोडक्शन में डीएनए का कॉपी बनता है, इसकी वजह से बॉडी डिजाइन मेंटेन रहता है, मतलब ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और एक स्पीशीज के पॉपुलेशन में सभी स्पीशीज एक जैसा होगा तभी तो वो उस पर्टिकुलर नीश को यूज कर पाएगा। देखो मोल्ड रिप्रोड्यूस करके मोल्ड बनाएगा तभी तो मोल्ड इस ब्रेड को अच्छे से यूज कर पाएगा। अगर मोल्ड रिप्रोड्यूस करके ईस्ट बना दिया तो ये ब्रेड किस काम का। इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है और यू कैन से लिंक्ड है किसी भी स्पीशीज के पॉपुलेशन को स्टेबल रखने में, मतलब एक स्पीशीज के पॉपुलेशन में सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे ही होंगे, मतलब मोल्ड का पॉपुलेशन है तो उसमें सभी मोल्ड ही होंगे और ये रिप्रोडक्शन की वजह से पॉसिबल है। चलो ये समझ में आ गया कि रिप्रोडक्शन की वजह से किसी स्पीशीज का पॉपुलेशन स्टेबल रहता है और स्पीशीज अपने पर्टिकुलर नीश को अच्छे से यूज कर सकता है, मतलब स्पीशीज अपने नीश में कंफर्टेबली रह सकता है। लेकिन कभी कभी नीश में चेंजेस आ जाता है, वो भी ड्रास्टिक चेंज। किस तरह का चेंज आ जाता है, तो अर्थ का टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी बहुत कम हो जाता है और कभी कभी वाटर लेवल भी वैरी कर जाता है। अगर किसी नीश में भारी बदलाव आया तो उस नीश में पाए जाने वाला पॉपुलेशन पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। तो क्या ऐसा होता है पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाता है? मैक्सिमम टाइम में ऐसा नहीं होता है। अगर उस पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल्स में वेरिएशन पाया जाए तब वो वेरिएंट जिंदा रह जाएगा और वो वेरिएंट आगे रिप्रोड्यूस करेगा और पॉपुलेशन को बढ़ा लेगा। इस चीज को हम बैक्टीरिया के एग्जांपल से समझते हैं, हमारे बुक में भी यही दिया हुआ है। मान लो एक टेम्परेट वाटर में बैक्टीरिया का एक पॉपुलेशन है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये 20 डिग्री टू 30 डिग्री टेम्परेचर में आराम से कंफर्टेबली जिंदा रह रहा है। ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन कुछ बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन डेवलप हो गया। इसमें ऐसा वेरिएशन डेवलप हुआ कि ये 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पानी का टेम्परेचर बढ़ गया अप टू 70 डिग्री तक, तो क्या होगा, ये वाला जो बैक्टीरिया है ये सारा बैक्टीरिया मर जाएगा, लेकिन ये वेरिएंट जिंदा रहेगा और आगे रिप्रोड्यूस करेगा और अपने स्पीशीज को एक्सटिंक्ट होने से बचा लेगा, अपने पॉपुलेशन को वाइप आउट होने से बचा लेगा। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया बैक्टीरिया का वो वेरिएंट है जो हाई टेम्परेचर में भी सरवाइव करता है, लेकिन दूसरा बैक्टीरिया मर जाता है। इससे ये समझ में आ गया होगा कि समय के साथ स्पीशीज को जिंदा रखने के लिए, स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए वेरिएशन बहुत यूजफुल होता है। वेरिएशन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है बदलते एनवायरनमेंट को एडप्ट करने में और अपने स्पीशीज को कंटिन्यू रखने में। ये जरूरी नहीं है कि वेरिएशन हमेशा यूजफुल ही हो, ये कभी कभी और वेरी रेयरली ये हार्मफुल भी होता है। कभी कभी हार्मफुल वेरिएशन की वजह से ऑर्गेनिज्म में डिसऑर्डर हो जाता है, डिजीज हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज,
ये वेरिएशन स्पीसीज लेवल पे तो बेनिफिशियल होता है, लेकिन ये इंडिविजुअल लेवल पे बेनिफिशियल नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है। इस चीज को समझाती हूँ। मान लो कि वो जो बैक्टीरिया का पॉपुलेशन था, उसमें कुछ बैक्टीरिया के अंदर वेरिएशन आया और वो बैक्टीरिया 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, लेकिन उस बैक्टीरिया के लाइफ स्पैन में वाटर का टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, तो उस वेरिएशन का क्या फायदा। इसीलिए स्पीशीज के लिए तो वेरिएशन बहुत अच्छा है, लेकिन इंडिविजुअल्स के लिए वेरिएशन हमेशा अच्छा हो ये जरूरी नहीं। हम लोग पढ़ रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है, लेकिन वो एग्जैक्ट अपना ट्रू कॉपी नहीं बना पाता, क्योंकि पेरेंट सेल से जो न्यू सेल बनता है उसके डीएनए में थोड़ा चेंजेस आ जाता है। डीएनए में चेंज की वजह से न्यू सेल के कैरेक्टर में भी थोड़ा चेंज आ जाता है। इस चेंज को ही हम वेरिएशन कहते हैं। मान लो कि वेरिएशन नहीं होता, तो मैं अपनी मम्मी की एग्जैक्ट ट्रू कॉपी होती, मेरी मम्मी अपनी मम्मी की ट्रू कॉपी होती, वो मम्मी अपनी मम्मी की ट्रू कॉपी होती, और ये सिलसिला अगर करोड़ों सालों से चलता आ रहा होता तो ऑलमोस्ट इस अर्थ पे सभी वुमेन मेरी जैसे दिखती। थैंक गॉड ऐसा नहीं है वेरिएशन की वजह से। लास्ट क्लास में हम लोग वेरिएशन के इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं। इस क्लास से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि एक अकेला ऑर्गेनिज्म कौन कौन सा तरीका यूज करता है रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स को पढ़ेंगे हम लोग। उसके पहले ये तो जान लें कि रिप्रोडक्शन कितने तरह का होता है। रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है, पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपैरेंटल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक पैरेंट चाहिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाईपैरेंटल होता है, मतलब इसके लिए मम्मी भी चाहिए और पापा भी चाहिए। मम्मी फीमेल गैमेट बनाएगी, पापा मेल गैमेट बनाएंगे, और ये गैमेट तब बनता है जब सेल डिवाइड होता है मियोसिस प्रोसेस से। जब सेल के अंदर मियोसिस होता है तो एक सेल डिवाइड हो जाता है चार सेल में, और इसकी वजह से चारों सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। मियोसिस की वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम्स हाफ हो जाता है। ये गैमेट्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की वजह से जायगोट बनता है। इस जायगोट में क्रोमोसोम नंबर डबल हो गया। इस जायगोट में अब डेवलपमेंट होता है, माइटोसिस होता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है बेबी में, ऑफस्प्रिंग में, यंग वन में। जब किसी सेल के अंदर माइटोसिस होता है तो एक सेल डिवाइड हो जाता है दो सेल में, और उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट चाहिए। इस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स बनता है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, और इस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है। चूंकि इस रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यूज होता है, इसीलिए इसके प्रोजेनी में, इसके ऑफस्प्रिंग में, और बोले तो इसके बेबी में वेरिएशन देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनता, इसीलिए मियोसिस भी देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए उसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता और जायगोट भी नहीं बनता है। यूनिपैरेंटल होने की वजह से इसके प्रोजेनी में, इसके बच्चे में वेरिएशन भी देखने को नहीं मिलता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा होता है, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फास्ट होता है और सिंपल होता है, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन धीरे धीरे होता है, स्लोअर होता है एंड कॉम्प्लेक्स होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन या तो ए माइटोसिस प्रोसेस से होगा या फिर माइटोसिस प्रोसेस से होगा। देखो, ए माइटोसिस एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्रोमोसोम वगैरह नहीं बनता, सिंपली सिर्फ न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और दो सेल बन जाता है, एक सेल दो सेल बन जाता है। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम डिवाइड होता है और एक सेल दो सेल में बनता है।
ए माइटोसिस एकदम लोएस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। वहीं दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस भी होता है एंड मियोसिस भी होता है। मियोसिस से बनता है गैमेट एंड माइटोसिस से जायगोट डेवलप होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल एमीबा, हाइड्रा एक्सेट्रा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, कैट, डॉग एक्सेट्रा। देखो बहुत आसान है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट यूज होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का इस्तेमाल होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चूंकि एक पेरेंट का यूज होता है इसलिए इसमें गैमेट नहीं बनता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इसमें जायगोट नहीं होता, इसमें मियोसिस नहीं होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यूज होता है इसलिए इसमें गैमेट भी बनता है, फर्टिलाइजेशन भी होता है, इसमें मियोसिस भी होता है, इसमें जायगोट भी बनता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट यूज होता है इसलिए सिंपल होता है और ये बहुत फास्ट भी होता है। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट यूज होता है इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है और ये स्लो होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक साथ में बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स बनता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स बनता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ वेरिएशन देखने को मिलता है लेकिन एसेक्सुअल में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज है कि ये फास्ट होता है, ये सिंपल होता है और इसमें बहुत सारा ऑफस्प्रिंग हो सकता है। सो अगर क्वेश्चन में एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल का डिफरेंस पूछता है तो डिफरेंस लिख दोगे, अगर दोनों का एडवांटेज पूछता है तो एडवांटेज लिख दोगे, और अगर डिसएडवांटेज पूछता है तो डिसएडवांटेज भी यहीं से लिख दोगे। एसेक्सुअल का डिसएडवांटेज क्या होगा कि इसमें वेरिएशन नहीं होता, और सेक्सुअल का डिसएडवांटेज क्या होगा कि ये फास्ट नहीं होता, इसमें बहुत सारा ऑफस्प्रिंग्स नहीं बनता। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को समझेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस का 7 टाइप्स हमारे बुक में दिया हुआ है। पहला है फिशन, दूसरा है फ्रेगमेंटेशन, तीसरा है रीजेनरेशन, चौथा है बर्डिंग, पांचवा है स्पोर फॉर्मेशन, छठा है वेजिटेटिव प्रोपागेशन और सातवां है टिश्यू कल्चर। इन सबको हम लोग एक एक करके या दो दो करके एक एक क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस क्लास में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला टाइप फिशन को समझेंगे। फिशन का सिंपल मीनिंग होता है विखंडन, टूटना, स्प्लिट होना। फिशन सबसे पुराना तरीका है, प्रिमिटिव तरीका है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसीलिए फिशन प्रिमिटिव एंड लोएस्ट ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है जो जनरली एक सेल का बना होता है। चलो अब फिशन के डेफिनेशन को समझते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जिसमें एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाता है, दो या दो से अधिक आइडेंटिकल डॉटर में, एक जैसे डॉटर सेल में, उस प्रोसेस को हम फिशन कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और फिशन के बाद डॉटर सेल जो बनता है वो आइडेंटिकल होता है, मतलब इसमें पेरेंट सेल इक्वली डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल में या दो से अधिक डॉटर सेल में। इस प्रोसेस में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। देखो फिशन इज अ वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इसीलिए इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है। न्यूक्लियस दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया और हो गया रिप्रोडक्शन। फिशन पाया जाता है बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में। फिशन दो तरह का होता है, एक होता है बाइनरी फिशन और दूसरा होता है मल्टीपल फिशन। नाम से ही पता चल गया होगा, बाइनरी मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाना पेरेंट्स का, और मल्टीपल मतलब बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना पेरेंट बॉडी का। तो सबसे पहले बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और वो दोनों हाफ्स डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। बाइनरी फिशन पाया जाता है एमीबा में, लिस्मैनिया में। लिस्मैनिया से एक तरह का डिजीज काला जाल होता है। अभी तक हम लोग जो समझे हैं उसको हम लोग डायग्राम से और अच्छे से समझ पाएंगे। ये देखो, ये है एक अमीबा, उसके अंदर है उसका न्यूक्लियस। सबसे पहले ये न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ये न्यूक्लियस इस तरह से बड़ा होगा, ये न्यूक्लियस इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद में ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और एक अमीबा
इक्वली टू अमीबा में डिवाइड हो जाएगा और दो डॉटर अमीबा बना देगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये नोट करने का है कि अमीबा में किसी भी प्लेन में फिशन होता है, किसी भी प्लेन में डिवीजन हो जाता है, मतलब ये इस तरह से भी डिवाइड कर सकता है, इस तरह से भी डिवाइड कर सकता है, इस तरह से भी डिवाइड कर सकता है, मतलब ऐसे 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 किसी भी प्लेन में ये डिवाइड हो सकता है। अब लिस्मैनिया में फिशन के डायग्राम को देख लेते हैं। ये है लिस्मैनिया, ये है उसका न्यूक्लियस और यहां से निकला है वी-प्लाई स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस सबसे पहले डिवाइड हो जाएगा, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा और साथ ही साथ इसका जो वीप है वो भी एक से दो बनेगा और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू होगा और साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने के बाद एक लिस्मैनिया दो डॉटर लिस्मैनिया में टूट जाएगा। इसमें नोट करने वाला बात ये है कि इसमें फिशन डिफिनेट प्लेन से ही होगा, डिफिनेट ओरिएंटेशन से ही होगा। जिस ऑर्गेनिज्म में ये वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है फिशन उसी प्लेन से होता है जिस प्लेन से कि वीप का भी डिवीजन हो जाए। अगर दूसरे प्लेन से इस ये फिशन होगा तो वीप का डिवीजन नहीं हो सकेगा। इसीलिए अमीबा में किसी भी प्लेन से फिशन हो जाता है लेकिन लिस्मैनिया में एक डिफिनेट प्लेन से ही फिशन होता है। नाउ मल्टीपल फिशन, इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है बहुत सारे एक तरह के आइडेंटिकल डॉटर सेल में। बाइनरी फिशन में टू आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है और मल्टीपल फिशन में बहुत सारा आइडेंटिकल डॉटर सेल बनता है। मल्टीपल फिशन पाया जाता है एक तरह का पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम में। अब इसके डायग्राम को देख लेते हैं। देखो ये है एक प्लाज्मोडियम और ये है उसका न्यूक्लियस। पहले एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में टूटेगा, दो न्यूक्लियस चार न्यूक्लियस में टूटेगा, चार न्यूक्लियस आठ न्यूक्लियस में टूटेगा। इसी तरह सबसे पहले इस न्यूक्लियस का मल्टीपल डिवीजन हो जाएगा और इस न्यूक्लियस का मल्टीपल डिवीजन होने के बाद इसके ऊपर इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। उसके बाद ये पेरेंट प्लाज्मोडियम रैप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा और बहुत सारा डॉटर प्लाज्मोडियम बाहर आ जाएगा। सो फिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो पार्ट्स ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। फिजन में सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इनका एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स को याद रखोगे। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमारे एनसीईआरटी बुक में 7 टाइप्स दिया हुआ है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला तरीका फिजन को पढ़ा है। इस क्लास में हम लोग दो और तरीका पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। फिजन सबसे प्रिमिटिव तरीका है और सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। अब थोड़ा एडवांस हो जाते हैं, ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे आते हैं जो सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स का बना हुआ होता है। फ्रेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म टूट जाता है दो या दो से अधिक पीसेस में और हर एक पीस डेवलप हो जाता है एडल्ट ऑर्गेनिज्म में। पीस को फ्रेगमेंट भी कहते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये पाया जाता है एक तरह का ग्रीन एल्गी स्पाइरोगैरा में एंड सी एनिमल में। नाम से ही पता चल रहा है ये एनिमल सी में पाया जाता है। आप देखोगे कि किसी किसी तालाब का पानी हरे रंग का होता है, वो स्पाइरोगैरा की वजह से होता है। अगर हम एक स्पाइरोगैरा को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एक स्पाइरोगैरा एक ही तरह के बहुत सारे सेल का बना होता है, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल और ये मिल करके एक स्पाइरोगैरा बना है। जब ये स्पाइरोगैरा किसी भी वजह से टूट जाता है बहुत सारे टुकड़ों में तो हर एक टुकड़े को हम फ्रैगमेंट कहते हैं और ये टुकड़ा मरता नहीं बल्कि कुछ समय के बाद ये डेवलप हो जाता है एक और स्पाइरोगैरा में। चूंकि स्पाइरोगैरा एक ही तरह के सेल का बना होता है इसीलिए फ्रैगमेंट में पाए जाने वाला सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करते करते पूरा का पूरा स्पाइरोगैरा बना देता है। अच्छा ये बताओ, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन होता है लेकिन हायर एंड कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एज फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग में,
ये फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं हो पाता? कितना अच्छा होता अगर मेरा एक उंगली कट जाता और उससे एक और अनुपमा बन जाती, मेरा एक दांत टूट जाता उससे एक और अनुपमा बन जाती, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता ना। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग सेल्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में तो डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होता है, और हम जानते हैं कि एक सेल डिवाइड करके वो अपने जैसा ही एक ही तरह का सेल बना सकता है। एक सेल डिवाइड करके कभी भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल नहीं बनाता, इसीलिए कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर में ये फ्रेगमेंटेशन टाइप रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो सिर्फ एक ही टाइप का सेल का बना हुआ होता है, इसमें एक सेल काफी होता है डिवाइड एंड रीडिवाइड करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन, अब आ जाते हैं रीजेनरेशन पे। रीजेनरेशन फ्रेगमेंटेशन से थोड़ा और इवॉल्व प्रोसेस है। रीजेनरेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का जो कट पार्ट होता है, मतलब वो पार्ट बॉडी का वो पार्ट जो कट कर अलग हो जाता है, उससे एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। रीजेनरेशन में भी फ्रेगमेंटेशन के जैसा बॉडी का एक टूटा हुआ टुकड़ा पूरा इंडिविजुअल बना देता है, लेकिन रीजेनरेशन फ्रेगमेंटेशन से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि रीजेनरेशन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल चाहिए। फ्रेगमेंटेशन में तो कोई भी टूटा हुआ पार्ट, कोई भी सेल डिवाइड करके रीडिवाइड करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देता है, लेकिन रीजेनरेशन में वही पार्ट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा जिस पार्ट में ये स्पेशलाइज्ड सेल होगा। प्लैनेरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रीजेनरेशन। हाइड्रा में भी रीजेनरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने एक प्लैनेरिया बनाया है, ये प्लैनेरिया तीन पार्ट में डिवाइड हो गया है, ऊपर हेड वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट एंड नीचे टेल वाला पार्ट, और ये तीनों पार्ट रीजेनरेट करता है और डेवलप हो जाता है इंडिविजुअल्स में। रीजेनरेशन का एक एग्जांपल हम लोग छिपकिल्ली में भी देखते हैं, हाउस लिजर्ड में देखते हैं। छिपकिल्ली का टेल अगर टूटकर अलग हो जाता है तो वो दोबारा रीजेनरेट हो जाता है। छिपकिल्ली में तो सिर्फ टेल ही रीजेनरेट होता है, लेकिन प्लैनेरिया में पूरा बॉडी रीजेनरेट हो जाता है। ये रीजेनरेशन कैसे होता है, देखो ये जो स्पेशलाइज सेल होता है ये प्रोलिफरेट करता है, मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल का एक मास बना लेता है, और इस सेल का जो मास है फिर वो डिफरेंशिएट होने लगता है। डिफरेंशिएट होना मतलब अलग अलग सेल अलग अलग शेप लेना शुरू कर देता है, और ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने लगता है, और अल्टीमेटली पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। सो फ्रेगमेंटेशन में कोई भी टूटा हुआ पार्ट पूरा का पूरा इंडिविजुअल बन जाता है, लेकिन रीजेनरेशन में सिर्फ वही टूटा हुआ पार्ट पूरा इंडिविजुअल बनता है जिसमें स्पेशलाइज सेल होता है। बाय द वे, हमारे एनसीईआरटी में रीजेनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं माना गया है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के लिए अपने बॉडी का कट जाने का इंतजार नहीं करता, और अगर वो नहीं कटा तो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और रीजेनरेशन में इंडिविजुअल्स का डिविजन नहीं होता, इसमें बॉडी पार्ट्स का रिप्लेसमेंट होता है। आई होप आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये दोनों ही बहुत इजी है। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले बडिंग समझ लेते हैं, उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन समझेंगे। बर्डिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि पैरेंट बॉडी में एक प्रोजेक्शन निकलता है। ये अगर पैरेंट बॉडी है तो उससे एक छोटा ऐसा प्रोजेक्शन निकल जाएगा, इस छोटे प्रोजेक्शन को बर्ड कहते हैं, और ये बर्ड ही डेवलप हो जाता है डॉटर ऑर्गेनिज्म में। मतलब डॉटर ऑर्गेनिज्म बनता है पैरेंट बॉडी के एक बर्ड से, और ये बर्ड बनता है पैरेंट बॉडी के किसी पर्टिकुलर जगह पे सेल डिवीजन होने की वजह से, और यू कैन से रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से। पैरेंट बॉडी का ये बर्ड टाइनी इंडिविजुअल में
छोटा इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, फिर धीरे धीरे ये बड़ा होता है, मैच्योर हो जाता है, और जब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये तरीका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट में भी देखने को मिलता है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हाइड्रा में भी देखने को मिलता है। देखो, ये है हाइड्रा का पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी के इस पर्टिकुलर साइट पे सेल डिवीजन हुआ और एक स्मॉल प्रोजेक्शन निकला। ये स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप हो गया बर्ड में। इस बर्ड में रिपीटेड सेल डिवीजन होता गया और ये बर्ड डेवलप हो गया टाइनी इंडिविजुअल में, और यू कैन से डॉटर ऑर्गेनिज्म में, और यू कैन से छोटा हाइड्रा में। जब ये टाइनी इंडिविजुअल धीरे धीरे फुल्ली मैच्योर हो जाता है तो ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाता है, और यू कैन से इंडिपेंडेंट हाइड्रा बन जाता है। सो हाइड्रा में बर्डिंग इस तरह से होता है। अब हम लोग ईस्ट में कैसे बर्डिंग होता है ये समझ लेते हैं। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है जिसको आटे के साथ गूंदा जाता है ब्रेड बनाने से पहले, ताकि ब्रेड फ्लफी हो सके। ईस्ट भी बर्डिंग प्रोसेस को यूज करके अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। देखो, ये है एक ईस्ट। ईस्ट से एक छोटा ऐसा प्रोजेक्शन निकला है। यही प्रोजेक्शन, यही बर्ड आगे डेवलप हो जाएगा डॉटर ईस्ट में। वो कैसे? सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर डीएनए का कॉपी होगा और ये न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट बर्ड के अंदर चला जाएगा और ये बर्ड डेवलप हो जाएगा डॉटर ईस्ट में। एक ईस्ट में एक ही बर्ड बने ये जरूरी नहीं, एक साथ में दो तीन बर्ड भी बन जाता है और ये बर्ड डॉटर ईस्ट में बदल जाता है, फिर डॉटर ईस्ट मैच्योर ईस्ट में, और ये मैच्योर ईस्ट पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। सो बर्डिंग एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है जिसमें पेरेंट बॉडी से एक छोटा ऐसा प्रोजेक्शन निकलता है, ये प्रोजेक्शन डेवलप हो जाता है डॉटर ऑर्गेनिज्म में, फिर वो डॉटर ऑर्गेनिज्म मैच्योर हो जाता है और पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। अब हम लोग स्पोर फॉर्मेशन समझ लेते हैं। बहुत सारे लोअर सिंपल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर के द्वारा भी होता है। अब ये स्पोर्स क्या होता है? तो ये स्पोर्स एक तरह का ऐसा बॉडी होता है, एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक सेल का बना होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है और थिक वॉल के साथ होता है। ये थिक वॉल स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है, और ये स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजिया कहते हैं। मतलब स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर होता है और ये स्पोरेंजिया जब बर्स्ट होता है, जब फट जाता है तो स्पोर्स बाहर निकल जाता है, और स्पोर्स को जब फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कोई नमी वाला जगह मिलता है, तो एक स्पोर एक नया इंडिविजुअल में जर्मिनेट हो जाता है, एक नया इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है। स्पोर्स के द्वारा रिप्रोडक्शन बहुत सारे लोअर ऑर्गेनिज्म्स में होता है, जैसे पेनिसिलियम, मशरूम, राइजोपस। हमारे बुक के एग्जाम्पल में राइजोपस दिया हुआ है, इसीलिए अभी हम लोग राइजोपस के एग्जाम्पल से स्पोर फॉर्मेशन समझेंगे। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ब्रेड मोल्ड कॉमन नेम है एंड राइजोपस बायोलॉजिकल नेम है। राइजोपस को हम सब कभी ना कभी देखे हैं। देखो, अगर आप ब्रेड को थोड़ा सा भिगा करके कहीं पे रख दो, नहीं भी भिगाते हो तो ऐसे ही कहीं पे रख दो, कुछ दिन के बाद देखोगे कि उसके ऊपर फफूंदी ग्रो हो गया है, उसके ऊपर फंगस ग्रो हो गया है। ये जो फफूंदी है यही राइजोपस है। जनरली कोई भी गीला खाने का सामान जैसे दाल चावल रोटी सब्जी ये सब खराब होता है तो उसके ऊपर में राइजोपस ग्रो कर जाता है। देखो, ये है एक ब्रेड जिसके ऊपर राइजोपस ग्रो कर गया है। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, और अगर सिर्फ एक राइजोपस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। एक राइजोपस को जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। माइक्रोस्कोप के अंदर वो जो व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा था वो है ये हाइफा। सिंगुलर हाइफा होता है एंड प्लूरल हाइफी होता है।
हाइफा से रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको राइजॉइड कहते हैं। जिस तरह से रूट सॉइल को पकड़ कर रखता है, उसी तरह से राइजॉइड खराब खाने को जिसके ऊपर राइजोपस ग्रो करता है उसको पकड़ के रखता है। हाइफा से ही लंबा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इस लंबा स्टिक लाइक स्ट्रक्चर को स्पोरिंजियोफोर कहते हैं। इस स्पोरिंजियोफोर के ऊपर एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, एक राउंड स्ट्रक्चर होता है। इस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। सिंगुलर को स्पोरेंजियम एंड प्लूरल को स्पोरेंजिया। अभी अभी जो हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखे हैं, उसमें जो ब्लैक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर का ड्रॉप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था, वही स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम होता है। एक स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारा छोटा छोटा स्पोर्स होता है, और जब ये स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है तो ये स्पोर बाहर निकल जाता है, और ये स्पोर्स कवर्ड रहता है थिक वॉल से। ये थिक वॉल स्पोर्स को अनफेवरेबल कंडीशन में मरने नहीं देता, मतलब ज्यादा हाई टेम्परेचर या फिर ज्यादा लो टेम्परेचर में स्पोर्स को जिंदा रखता है। और जब भी इस स्पोर्स को इसका फेवरेबल कंडीशन मिलता है, मतलब कोई भी सड़ा हुआ खाना मिलता है, सड़ा हुआ ब्रेड या फिर सड़ा हुआ सब्जी मिल जाता है, तो उसके ऊपर एक स्पोर से एक राइजोपस निकल कर आता है। उस राइजोपस में बहुत सारा स्पोरेंजिया निकलेगा, बहुत सारा स्पोरेंजिया में बहुत सारा स्पोर बनेगा, और बहुत सारा स्पोर फिर बहुत सारे राइजोपस को ग्रो करेगा। इस तरह से स्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन यहाँ कंप्लीट होता है। हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं फिशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये सारा जो टाइप्स है ये लोअर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट बॉडी दो पार्ट का होता है। एक पार्ट को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं, और फ्लावर के अलावा जो भी पार्ट होता है प्लांट में, जैसे रूट, स्टेम्स, लीव्स, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट कहते हैं। तो वेजिटेटिव का मतलब हो गया रूट, स्टेम, लीव्स, एंड प्रोपागेशन का मतलब होता है स्प्रेड होना, फैलना। सो वेजिटेटिव प्रोपागेशन का आसान सा मतलब होता है रूट, स्टेम, लीव्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करना। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, यहाँ कोई गैमेट्स वगैरह भी नहीं बनता। इसीलिए वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्लांट्स में पाया जाने वाला एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे रूट, स्टेम, लीव्स डेवलप हो जाता है नए प्लांट्स में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, सही वातावरण में। मतलब जब प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स को सही वातावरण मिलता है तो वो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है। इस तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन और दूसरा होता है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन अपने आप होता है, नेचुरली होता है, इसमें इंसान का हस्तक्षेप का जरूरत नहीं होता है, इसमें हमको कुछ नहीं करना होता है। वही आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में जब तक इंसान हस्तक्षेप ना करे ये प्रोसेस नहीं होता। मतलब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। नाउ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन तीन तरह से हो सकता है, रूट से, स्टेम से एंड लीव्स से। किसी किसी प्लांट में ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन उसके रूट से ही नया प्लांट निकलता है। एज फॉर एग्जाम्पल स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो में ड्यूरिंग जून जुलाई में उसके रूट से नया प्लांट निकलता है। डालिया, डालिया में सितंबर अक्टूबर में उसके रूट से नया प्लांट निकलता है, और ये अपने आप होता है, ह्यूमन बींग को कुछ नहीं करना पड़ता इसके लिए। पिक्चर में देखो स्वीट पोटैटो के रूट से नया प्लांट निकल रहा है। Now, कुछ ऐसे स्टेम्स भी होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स निकलते हैं नेचुरली। उनका एग्जाम्पल्स है पोटैटो, अनियन, जिंजर। ये तीनों जमीन के नीचे उगता है, लेकिन ये स्टेम्स है।
ये देखो, पोटैटो से टाइनी रूट एंड शूट निकल रहा है, यही न्यू प्लांट में डेवलप हो जाएगा। और कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जिनके लीव्स से नया प्लांट निकलता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में लीव के मार्जिन से छोटा छोटा न्यू प्लांट्स निकलता है। कुछ दिन के बाद ये टाइनी प्लांट लीव से अलग होकर नीचे गिर जाता है और न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। अब आ जाते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन पे। ह्यूमन बीइंग तीन तरह से वेजिटेटिव प्रोपागेशन करा सकता है। पहला है कटिंग, दूसरा है लेयरिंग और तीसरा है ग्राफ्टिंग। कटिंग इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इसमें पौधे के डाल को, स्टेम को काट करके लगाना होता है फेवरेबल कंडीशन में और उस स्टेम से नया पौधा निकल आता है। इसका एग्जाम्पल है रोज, शुगर केन, ड्रमस्टिक। हम सब ने कभी ना कभी रोज के स्टेम को तो लगाया ही है। ये देखो, रोज के स्टेम को काट कर मिट्टी में लगा देने से वो स्टेम नए रोज प्लांट में डेवलप हो जाता है। अभी आप सोच रहे होगे कि कटिंग में भी तो प्रोपागेशन स्टेम के थ्रू ही हो रहा है, तो ये आर्टिफिशियल कैसे हो गया? देखो, यहाँ पे स्टेम हम काट कर लगाएंगे तभी न्यू प्लांट निकलेगा। जब तक हम स्टेम को काटेंगे नहीं, न्यू प्लांट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसीलिए ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन में आता है। नाउ लेयरिंग। लेयरिंग में प्लांट के एक लंबे फ्लेक्सिबल स्टेम को किसी एक जगह पे मिट्टी से दबा दिया जाता है। उस जगह पे नीचे मिट्टी के तरफ रूट्स निकल आता है और वहीं से एक नया प्लांट बन जाता है। लेयरिंग में इस तरह डाल को मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है। जैस्मिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लेयरिंग। नाउ द थर्ड प्रोसेस इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग को हम लोग कलम बनाना भी बोलते हैं हिंदी में। ग्राफ्टिंग होता है मैंगो में, एप्पल में, ग्रेप्स में। ग्राफ्टिंग के लिए हम लोगों को एक ही स्पीसीज का दो प्लांट चाहिए। अगर हम लोगों को आम का कलम बनाना है तो हम लोगों को आम का दो पौधा चाहिए। मैंने यहाँ पे देखो दो पौधा बनाया है और दोनों पौधा को एक ही जगह से काट देंगे। उसके बाद एक पौधा का नीचे वाला पोर्शन यूज करेंगे और दूसरा पौधा का ऊपर वाला पोर्शन यूज करेंगे। नीचे वाले पार्ट को स्टॉक बोलते हैं और ऊपर वाले पोर्शन को सियोन बोलते हैं, और उन दोनों को जोड़ करके बांध देंगे। मतलब एक पौधा का स्टॉक और दूसरे पौधा का सियोन को जोड़ करके बांध देंगे। इस तरह से बन जाएगा एक नया पौधा। ये देखो, ग्राफ्टिंग में एक प्लांट के सियोन को और उसी स्पीसीज के दूसरे प्लांट के स्टॉक को आपस में जोड़ दिया जाता है। आई होप आप लोगों को नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन समझ में आया होगा। अब हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेजेस को देखते हैं। वो पौधा जो बीज से उगता है उसके तुलना में वो पौधा जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू उगता है उसमें फल और फूल जल्दी आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक आम का बीज बो दो और एक आम का कलम लगा दो, किसमें फल जल्दी पकड़ेगा? ऑब्वियसली आम के कलम में जल्दी फल पकड़ेगा। सो पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन बहुत फास्ट होता है, और दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि वो पौधा जिसमें बीज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, उस तरह के पौधे को हम वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू उगा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोपागेट कर सकते हैं। इस तरह का पौधा का एग्जाम्पल है बनाना, रोज, जैस्मिन एक्सेट्रा। देखो, बनाना, रोज, जैस्मिन, इन सब में बीज नहीं होता है, तो इनको हम उगाए कैसे? अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, रोज को हम लोग कटिंग करके उगा सकते हैं, जैस्मिन को हम लोग लेयरिंग करके उगा सकते हैं। बनाना, बनाना में एक तरह का अंडरग्राउंड स्टेम होता है जैसे जिंजर में होता है, उससे हम लोग बनाना प्लांट उगाते हैं। नाउ तीसरा इंपॉर्टेंस ये है कि ये मेथड जेनेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। मतलब इसमें पैरेंट और बच्चा जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है, क्योंकि इसमें जो पैरेंट होता है वो मेल फीमेल तो होता नहीं है, सिर्फ एक ही पैरेंट होता है, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
पेरेंट और बच्चा सेम होता है, इसीलिए जो न्यू प्लांट बनता है उसका सारा कैरेक्टरिस्टिक उसके पेरेंट प्लांट से मिलता है। ये तो हो गया इसका तीन एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज को देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई वेरिएशन नहीं पाया जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लिए सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए, इसीलिए जो न्यू पेरेंट होता है वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसा ही होता है और न्यू प्लांट में कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलता। सेकेंड डिसएडवांटेज, पेरेंट प्लांट में अगर कोई डिजीज है तो वो न्यू जनरेशन को ट्रांसफर हो जाता है। चूंकि न्यू प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक सेम टू सेम पेरेंट प्लांट के जैसा होता है तो डिजीज भी तो पेरेंट प्लांट के जैसा होगा। नाउ थर्ड डिसएडवांटेज, ग्राफ्टिंग के लिए हम लोगों को स्किल्ड पर्सन चाहिए। देखो, कटिंग और लेयरिंग तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ग्राफ्टिंग हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए स्किल्ड पर्सन चाहिए। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ हमारा वेजिटेटिव प्रोपागेशन टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। इन दिस क्लास वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और कल्चर का मतलब होता है ग्रो कराना। सो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोसेस में टिश्यू को ग्रो करा करके, दैट इज सेल्स को ग्रो करा करके नया इंडिविजुअल्स बनाया जाता है और इस प्रोसेस को जनरली हम प्लांट के लिए यूज करते हैं। एक्चुअली टिश्यू कल्चर में प्लांट के ग्रोइंग टिप से थोड़ा सा टिश्यू रिमूव किया जाता है, मतलब 3-4 सेल रिमूव किया जाता है और उसी सेल से बहुत सारा न्यू प्लांट ग्रो कराया जाता है। ये सुनने में तो बहुत इजी लग रहा होगा, प्लांट के टिप से थोड़ा सा सेल निकालो और उस सेल को ग्रो करा दो बहुत सारे न्यू प्लांट में, लेकिन ये है बहुत टफ। इसके लिए प्रोफेशनल्स चाहिए। एक प्रोफेशनल ही इस प्रोसेस को लैबोरेटरी में कर सकता है, आम इंसान नहीं कर सकता, हम और आप नहीं कर सकते, लेकिन इसके बेसिक स्टेप्स को समझ लेते हैं क्योंकि ये हमारे बुक में दिया हुआ है। पहला स्टेप है प्लांट के टिप से टिश्यू को रिमूव करना, मतलब कुछ सेल्स को रिमूव करना। दूसरे स्टेप में उस सेल्स को लैबोरेटरी ले जाया जाता है और उसको आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है ताकि वो सेल रैपिडली डिवाइड कर सके और बहुत सारा सेल्स का एक ग्रुप बना ले। उस सेल के ग्रुप को कैलस भी कहते हैं। थर्ड स्टेप में कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है एक दूसरे मीडियम में जिसमें हॉर्मोन्स भी होता है, सो दैट कैलस में ग्रोथ हो सके, डिफरेंशिएशन हो सके। ग्रोथ का मतलब तो समझ में आ गया होगा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसके द्वारा जो कॉमन सेल होता है, जो नॉर्मल सेल होता है, वो बदल जाता है स्पेशलाइज्ड सेल में। स्पेशलाइज्ड सेल मतलब सेल का अपना अलग शेप होगा, अपना अलग फंक्शन होगा और ये डिफरेंशिएटेड सेल प्लांट के अलग अलग पार्ट के ग्रोथ में हेल्प करता है, जैसे रूट और शूट। रूट और शूट के ग्रोथ में हॉर्मोन्स भी हेल्प करता है। इसी ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की वजह से कैलस डेवलप हो जाता है बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स में, टाइनी प्लांट्स में। इन छोटे छोटे प्लांट्स को हम प्लांटलेट्स कहते हैं। फिर उस प्लांटलेट्स को आर्टिफिशियल मीडियम से निकाल कर मिट्टी में डाल दिया जाता है ताकि वो ग्रो हो सके और मैच्योर प्लांट बन सके। देखो, इस प्रोसेस को करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन समझना बहुत आसान है। सबसे पहले प्लांट के टिप से कुछ सेल्स को निकाला जाता है, उस सेल को लैबोरेटरी लाया जाता है और डाल दिया जाता है आर्टिफिशियल न्यूट्रिटिव मीडियम में, ऐसे मीडियम में जिसमें कि कुछ न्यूट्रिशन हो प्लांट सेल के लिए, ताकि ये सेल जो है वो रैपिडली डिवाइड कर सके। उस रैपिड डिविजन की वजह से कुछ सेल बदल जाता है बहुत सारे सेल के एक ग्रुप में, उस ग्रुप को हम कैलस कहते हैं। फिर कैलस को ट्रांसफर कर दिया जाता है दूसरे आर्टिफिशियल मीडियम में जिसमें हॉर्मोन्स भी होता है। इस मीडियम में सेल डिफरेंशिएट करता है और ग्रो कर जाता है छोटे छोटे प्लांटलेट्स में। फिर प्लांटलेट्स को मिट्टी में डाल दिया जाता है सो दैट प्लांटलेट मैच्योर प्लांट बन जाए, और इस टेक्निक को जनरली यूज किया जाता है ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए,
एज फॉर एग्जाम्पल ऑर्किड, करोटन एक्सेट्रा। टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम एक पेरेंट प्लांट से बहुत सारा न्यू प्लांट्स को बना सकते हैं। एक्चुअली टिश्यू कल्चर में तो हम लोगों को कुछ ही सेल्स चाहिए बहुत सारा प्लांट ग्रो कराने के लिए, और एक पेरेंट से हम लोग बहुत सारा सेल्स ले सकते हैं और बहुत सारे सेल्स से बहुत 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 न्यू प्लांट ग्रो करा सकते हैं। टिश्यू कल्चर का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इसमें जो न्यू प्लांट्स बनता है वो डिजीज फ्री होता है। देखो, टिश्यू कल्चर जनरली मेरिस्टमैटिक टिश्यू से किया जाता है और मेरिस्टमैटिक टिश्यू में जनरली किसी भी तरह का कोई वायरस एंड बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, इसीलिए न्यू प्लांट में भी नहीं पाया जाता है और इसीलिए न्यू प्लांट डिजीज फ्री होता है। टिश्यू कल्चर में एक डिसएडवांटेज ये है कि इसको आम किसान भाई लोग नहीं कर सकता, इसके लिए प्रोफेशनल चाहिए, लैबोरेटरी चाहिए, बाकी तो सब इसमें एडवांटेजेस ही है। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा तरीका है रिप्रोडक्शन का जिसमें दो सेक्स, दैट इज मेल एंड फीमेल, दोनों हिस्सा लेता है। मतलब ये रिप्रोडक्शन का एक ऐसा तरीका है जिसमें दो पेरेंट चाहिए, मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए, दैट इज मेल फीमेल दोनों चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेजर प्रोसेस होता है, पहला फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का बनना, और दूसरा फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट का जुड़ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स कैसे बनता है, गैमेट्स कैसे फ्यूज होता है, ये तो हम लोग बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग ये समझ लें कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए। हमारे बुक में टॉपिक दिया हुआ है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये टॉपिक जरूरी भी है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से भी तो ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई होता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, फिर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों चाहिए? इसका आंसर छुपा हुआ है वेरिएशन में। चलो इस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो पेरेंट सेल का डीएनए अपना कॉपी बनाता है, लेकिन अपना एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, उसमें थोड़ा एरर होता है। इसी वजह से बच्चा, दैट इज प्रोजेनी, पेरेंट से थोड़ा अलग होता है। इसी अलग होने को ही वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन का हिंदी मीनिंग ही होता है अलग होना, और ये जो न्यू प्रोजेनी बना जो अपने पेरेंट से अलग है उसको वेरिएंट कहेंगे। इस डायग्राम से आप वेरिएशन को बहुत अच्छे से समझ सकोगे। देखो, ये जो पेरेंट सेल है इसमें जो डीएनए है ये पूरा ब्लैक कलर का है। रिप्रोडक्शन के दौरान जब डीएनए अपना कॉपी बनाता है तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, उसमें थोड़ा एरर होता है। ये रेड कलर एरर को दिखा रहा है। ये एरर वाला डीएनए, बोले तो वेरिएशन वाला डीएनए प्रोजेनी में आता है, इसी की वजह से प्रोजेनी पेरेंट से अलग होता है। मतलब पेरेंट एंड प्रोजेनी में वेरिएशन देखने को मिलता है। ये वेरिएशन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो या ना हो, लेकिन उसके स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए जरूरी होता है। मतलब इस एरर की वजह से इस इंडिविजुअल को फायदा हो चाहे ना हो, इसके स्पीसीज को फायदा जरूर होता है। फॉर एग्जाम्पल, सिकल सेल एनीमिया एक ऐसा डिजीज है जो डीएनए में डिसऑर्डर की वजह से होता है, डीएनए में एरर की वजह से होता है। जिस इंडिविजुअल में ये एरर होता है, ये डिजीज होता है, उसके बॉडी में ऑक्सीजन का कमी होता है। लेकिन एक खूबी ये है कि उस इंडिविजुअल को मलेरिया नहीं हो सकता। मान लो ह्यूमन बीइंग का एक ग्रुप जहाँ रह रहा है वहाँ हर किसी को मलेरिया हो रहा है और मलेरिया की वजह से हर कोई मर जा रहा है, उस वक्त ये इंडिविजुअल जिसको सिकल सेल एनीमिया है वो नहीं मरेगा क्योंकि उसको मलेरिया नहीं होगा। सब तो मर जाएंगे लेकिन ये वेरिएंट बचा रहेगा और फिर से रिप्रोड्यूस करके अपने पॉपुलेशन को, अपने ग्रुप को बढ़ा लेगा। सो सिकल सेल एनीमिया इंडिविजुअल के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन उसके स्पीसीज के लिए, उसके ग्रुप के लिए अच्छा है। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएशन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो या ना हो, लेकिन स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होता है।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लोअर और सिंपल ऑर्गेनिज्म में नेग्लिजिबल वेरिएशन चलेगा, इसीलिए उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में, जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, उनमें वेरिएशन ज्यादा चाहिए। हायर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन को स्पीड अप करने के लिए अगर डीएनए कॉपी के समय में एरर को बढ़ा दिया जाए, तो जो नया डीएनए बनेगा वो बिल्कुल भी पुराने डीएनए से, पेरेंट डीएनए से अलग होगा, और इस नए अलग डीएनए की वजह से सेल के अंदर का जो सेलुलर एपरेटस होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडी, ये सारा ठीक से काम नहीं कर पाएगा और सेल अल्टीमेटली मर जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि दो वेरिएंट को मिला करके एक तीसरा वेरिएंट बना लो। दैट इज, दो इंडिविजुअल का डीएनए कॉपी मिल करके बच्चे में आएगा तो बच्चा एक नया कॉम्बिनेशन का वेरिएंट बनेगा। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल के डीएनए कॉपी को मिला करके एक तीसरा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है डीएनए का, इसीलिए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाया जाता है। वैसे ये कहना ज्यादा सही होगा कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन को स्पीड अप किया जा सकता है हायर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन इस कॉम्बिनेशन की वजह से एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। जो न्यू जनरेशन होगा, इसमें डीएनए का क्वांटिटी डबल हो जाएगा। मान लो कि पापा में 100 डीएनए है और मम्मी में भी 100 डीएनए है, तो दोनों का डीएनए मिलकर के बेबी में 200 डीएनए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन में 200 डीएनए मिलकर के 400 डीएनए हो जाएगा। एंड दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी स्पीसीज में अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट रहता है, और यू कैन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहता है। चूंकि क्रोमोसोम्स डीएनए से बना होता है, इसीलिए हम लोग क्रोमोसोम्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल, सभी ह्यूमन बींग्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मी का 46 क्रोमोसोम और पापा का 46 क्रोमोसोम मिल करके बच्चे में 92 क्रोमोसोम हो जाए। देखो, वेरिएशन को स्पीड अप करने के लिए हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, और क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखने के लिए हायर ऑर्गेनिज्म में गैमेट्स बनता है। ये गैमेट बनाने का काम जर्म सेल्स करता है। जर्म सेल्स में मियोसिस होता है, जिसकी वजह से गैमेट बनता है, और मियोसिस की वजह से गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, ये जर्म सेल्स कहां से आ गया? हायर ऑर्गेनिज्म में सेल्स दो तरह का होता है। वो सेल जो रिप्रोडक्टिव सेल बनाता है, जो गैमेट्स बनाता है, उसको हम जर्म सेल्स कहते हैं, और जर्म सेल्स को छोड़ के जितना भी सेल होता है हमारे बॉडी में, उसको हम सोमैटिक सेल कहते हैं। सो हायर ऑर्गेनिज्म में दो तरह का सेल पाया जाता है, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होता है डिवीजन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए, और जर्म सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस की वजह से ही गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। देखो, बहुत आसान है, इसको हम लोग ह्यूमन बींग के एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है मम्मी, सॉरी यहाँ पे एम होगा, ये है मम्मी और ये है पापा, यहाँ पे एफ होगा फादर के लिए, ठीक है। मम्मी के अंदर कितना क्रोमोसोम होगा? 46 क्रोमोसोम होगा, और पापा के अंदर कितना क्रोमोसोम होगा? पापा के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होगा। अगर मम्मी का 46 क्रोमोसोम का कॉपी बनता है और पापा का 46 का क्रोमोसोम का कॉपी बन जाता है, और ये 46 क्रोमोसोम मिल करके अगर बच्चा बनता है, तो बच्चा के अंदर 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। ये गड़बड़ी ना हो, इसके लिए हायर ऑर्गेनिज्म में गैमेट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस की वजह से गैमेट में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। फीमेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, मेल गैमेट में भी 23 क्रोमोसोम हो जाएगा, और हायर ऑर्गेनिज्म में ये गैमेट बनाने का काम जर्म सेल्स करता है। मम्मी के गैमेट को एग कहते हैं,
पापा के गैमेट को स्पर्म कहते हैं। ये दोनों गैमेट आपस में फ्यूज हो जाता है और बना देता है जाइगोट। तो जाइगोट में 23 क्रोमोसोम मिलके कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? अगेन ये 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। और ये जाइगोट डेवलप हो जाता है बेबी में, और बेबी में भी, बच्चे में भी क्रोमोसोम नंबर 46 ही रहता है। इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखते हुए, अमाउंट ऑफ डीएनए को कांस्टेंट रखते हुए वेरिएशन देखने को मिलता है। गैमेट्स के बारे में हमारे बुक में और एक चीज दिया हुआ है, वो ये कि जो लोअर हायर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट करीब करीब एक ही जैसा होता है, लेकिन हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में फीमेल गैमेट बड़ा होता है, उसमें फूड स्टोर्ड रहता है, और मेल गैमेट छोटा एंड मोटाइल होता है। फीमेल गैमेट में फूड स्टोर्ड इसलिए रहता है ताकि जाइगोट फर्दर डेवलप कर सके, और मेल गैमेट मोटाइल इसलिए होता है ताकि वो मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुंच सके। सो अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वेरिएशन को क्रिएट करता है, और वेरिएशन स्पीशीज के सर्वाइवल को एंश्योर करता है, और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेरिएशन को ज्यादा जनरेट करता है, और हायर ऑर्गेनिज्म को, स्पेशली ह्यूमन बीइंग को, ज्यादा वेरिएशन चाहिए, नहीं तो हर इंसान एक जैसा ही दिखेगा। दैट इज व्हाई वी नीड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फूल वाले पौधे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में। फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होता है, इसीलिए हम लोग फ्लावर को रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों को मेल एंड फीमेल दो पेरेंट चाहिए, इसीलिए वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है, और वो प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं होता वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है। वैसा प्लांट जिसमें फ्लावर होता है वैसे प्लांट को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। सो एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर के अंदर होता है, और इसका जो सीड होता है ये फ्रूट के अंदर होता है, और यू कैन से फ्रूट से एनक्लोज रहता है, फ्रूट से कवर्ड रहता है। एंजियोस्पर्म का जो बीज होता है वो फ्रूट से कवर्ड रहता है, मतलब फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर के अंदर होता है, और फ्लावरिंग प्लांट में जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। चलो सबसे पहले फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को समझते हैं। फूल का वो पार्ट जो कलरफुल होता है, जिसके तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं, जिसको देख करके हम फूल के पास जाते हैं, उस पार्ट को पेटल कहते हैं। पेटल के नीचे ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर होता है, उसको सेपल कहते हैं। फूल के बीचों बीच जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको या तो पिस्टल कहते हैं या फिर कार्पल कहते हैं। ये पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का। पिस्टल के बगल में, और यू कैन से पिस्टल एंड पेटल के बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको स्टामेन कहते हैं। स्टामेन फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। देखो पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, पेटल इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और ये सेपल फूल को जब बर्ड फॉर्म में रहता है उस वक्त कवर करके रखता है, फूल को प्रोटेक्ट करके रखता है। और ये जरूरी नहीं कि फ्लावर का हर एक पार्ट हर एक फ्लावर में पाया जाए। कुछ फूल ऐसा होता है जिसमें एक ही तरह का रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाता है। मतलब उसमें या तो स्टामेंस पाया जाता है या फिर पिस्टल्स पाया जाता है। इस तरह के फूल को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। यूनी का मतलब भी होता है एक, मतलब एक सेक्स वाले फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इसमें जो फूल होगा वो या तो फीमेल फ्लावर होगी या फिर मेल फ्लावर होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है पपाया में, वाटरमेलन में, पंपकिन में, कुकुम्बर में, एक्सेट्रा। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर,
वर्ड से ही समझ में आ गया होगा, वैसा फ्लावर जिसमें दोनों सेक्स पाया जाता है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी पाया जाता है, उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है हाइबिस्कस, जिसको कि कॉमनली हम चाइना रोज कहते हैं, मस्टर्ड, रोज, लिली एक्सेट्रा। अब स्टामेन एंड पिस्टिल के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी की वजह से तो होगा। स्टामेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फूल का, और ये येलो कलर का पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। देखो ये है स्टामेन का डायग्राम, ये जो लंबा फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको फिलामेंट कहते हैं, और ये जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसको एंथर कहते हैं। एंथर में ही पोलन ग्रेन्स बनता है। मेरे पास जगह कम था इसलिए मैं लिख नहीं पाई, आप चाहो तो लिख सकते हो। स्टामेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट इज लॉन्ग फिलामेंटस स्ट्रक्चर, एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर। हम जब एक पूरा खिला हुआ फूल को छूते हैं जिसमें स्टामेन होता है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं कि किसी किसी फूल में स्टामेन नहीं होता है, तो वैसा फूल जिसमें स्टामेन होता है उसको अगर हम छूते हैं तो हमारे उंगलियों पे येलो कलर का पाउडर लग जाता है। ये येलो कलर का पाउडर ही पोलन ग्रेन्स होता है। इसी पोलन ग्रेन्स के अंदर मेल गैमिट बनता है, इसीलिए स्टामेन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। नाउ पिस्टल, पिस्टल फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये तीन पार्ट में बटा होता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये जो ऊपर वाला टर्मिनल पार्ट होता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। ये स्टिकी होता है ताकि वो पोलन ग्रेन को रिसीव कर सके ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को थोड़ी देर में समझाती हूँ। और बीच वाला पार्ट स्टाइल होता है जो स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है। नीचे वाला पार्ट, बॉटम वाला पार्ट स्वोलन होता है और इसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर एक छोटा ऐसा पाउच होता है, इस स्ट्रक्चर को हम ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है, इस एग सेल को ही हम फीमेल गैमिट कहते हैं। इस फीमेल गैमिट एग की वजह से ही पिस्टल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर कहते हैं। पिस्टल को हम कार्पल भी बुलाते हैं। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट कहाँ पाया जाता है, कहाँ बनता है, ये तो समझ में आ गया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन दोनों गैमेट का मिलना भी तो जरूरी है, और इसके लिए सबसे पहले पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना जरूरी है। इस ट्रांसफर को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब पोलन ग्रेन्स का विंग्स या फिर पंख तो होता नहीं है कि वो उड़ करके एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाए, इसीलिए ये पॉलिनेशन का काम कुछ एजेंट्स द्वारा होता है, जैसे विंड, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल्स एक्सेट्रा। देखो हवा पोलन ग्रेन्स को उड़ा कर ले जाता है स्टिग्मा तक, पानी पोलन ग्रेन्स को बहा कर ले जाता है स्टिग्मा तक, और कलरफुल पेटल्स की वजह से फ्लावर्स डिफरेंट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसकी वजह से भी पॉलिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक इंसेक्ट भंवरा इस फूल के पेटल से अट्रैक्ट होकर के इस फूल के ऊपर आकर बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है, कभी यहाँ बैठता है। जब इंसेक्ट एंथर के पास होगा तो एंथर से पोलन ग्रेन इंसेक्ट के बॉडी में लग जाएगा, और जब इंसेक्ट स्टिग्मा के ऊपर बैठेगा तो इंसेक्ट के बॉडी का पोलन ग्रेन स्टिग्मा में चिपक जाएगा, क्योंकि स्टिग्मा स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है। अब समझ में आ गया होगा कि पेटल्स क्यों कलरफुल होता है एंड स्टिग्मा क्यों स्टिकी होता है। हम ह्यूमन बीइंग्स भी कभी कभी पॉलिनेशन के एजेंट का काम करते हैं। हम जब किसी पार्ट वगैरह में जाते हैं तो फूल को इस तरह से छूते हुए गुजरते हैं, इस दौरान भी पॉलिनेशन हो जाता है। नाउ ये पॉलिनेशन दो तरह से हो सकता है। अगर पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफर हो तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे दो फूल हैं, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अगर
एक ही फूल के अंदर ट्रांसफर होता है, मतलब इसी फूल के एंथर से पोलेन ग्रेन ट्रांसफर हो करके इसी फूल के स्टिग्मा पे चला जाए तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और अगर पोलेन ग्रेन एक फूल के एंथर से ट्रांसफर हो करके दूसरे फूल के स्टिग्मा पे जाए तो इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। और पॉलिनेशन जैसा भी हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो या फिर क्रॉस पॉलिनेशन हो, फर्टिलाइजेशन के लिए जरूरी है। पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। ये जाइगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है। प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इसको समझते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन मतलब पोलेन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाने के बाद पोलेन ग्रेन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पोलेन ट्यूब कहलाता है। पोलेन ट्यूब स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाता है। ओवरी में उस जगह तक जाता है जहां पे ये ओव्यूल होता है। हम जानते हैं कि ओव्यूल में फीमेल गैमिट होता है और पोलेन ग्रेन मेल गैमिट बनाता है। ये मेल गैमिट पोलेन ट्यूब से होते हुए फीमेल गैमिट तक पहुंचता है और फीमेल गैमिट के साथ में फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट, ओव्यूल के अंदर अब जाइगोट है। याद रखना इस चीज को, ये फीमेल गैमिट ही मेल गैमिट के साथ फ्यूज करके जाइगोट बन जाता है। सो प्लांट में फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन के बाद होता है। और ये होता कैसे है? सबसे पहले पोलेन ग्रेन से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचता है। इसी पोलेन ट्यूब के जरिए मेल गैमिट फीमेल गैमिट तक पहुंचता है, उसके साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। इसी फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलपमेंट होता है और ये डेवलपमेंट तीन स्ट्रक्चर में होता है, जाइगोट में होता है, ओव्यूल में होता है, ओवरी में होता है। जाइगोट के अंदर बहुत बार डिवीजन होता है और इस डिवीजन की वजह से जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। ये एम्ब्रियो ही फ्यूचर प्लांट होता है। ओव्यूल अपने चारों तरफ हार्ड लेयर और यू कैन से टफ कोट डेवलप कर लेता है और ये ओव्यूल सीड में बदल जाता है। ओवरी रैपिडली ग्रो करता है, पकता है और फ्रूट में बदल जाता है। इसको मैं आम भाषा में आम से समझाती हूँ। आम का वो पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट जिसको हम लोग खाते हैं, ये है ओवरी का डेवलपमेंट। और उसका जो बीज होता है, ये बीज है ओव्यूल का डेवलपमेंट। इसको आप लोग डायग्राम में देखो, ये ओवरी डेवलप हो करके फ्रूट बन गया है और ये ओव्यूल डेवलप हो करके सीड बन गया है। उस सीड को मैं धो करके खोल करके लाई हूं। जब उस सीड को हम खोलेंगे तो सीड से इस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर निकलेगा। और इसमें जो ये छोटा ऐसा स्ट्रक्चर है, ये छोटा ऐसा स्ट्रक्चर ही एम्ब्रियो है। ये एम्ब्रियो ही बेबी प्लांट बनाता है, इसीलिए एम्ब्रियो को फ्यूचर प्लांट भी कहते हैं। और ये एम्ब्रियो किसका डेवलपमेंट है? ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट है जाइगोट का। और ये एम्ब्रियो जिस बड़े वाले स्ट्रक्चर के साथ है, इसको हम कॉटिलिडन कहते हैं। देखो, ओव्यूल के अंदर एक सेल जाइगोट को छोड़कर बाकी सभी सेल कॉटिलिडन बनाता है। कॉटिलिडन इस एम्ब्रियो को, डेवलप्ड जाइगोट को फूड देता है, नरिशमेंट देता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो बनाता है, फ्यूचर प्लांट, ओव्यूल डेवलप होकर के सीड बनाता है और ओवरी डेवलप होकर फ्रूट बनाता है। डेवलपमेंट के बाद रिप्रोडक्शन का लास्ट स्टेप है जर्मिनेशन। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो को जब सूटेबल कंडीशन मिलता है तो वो डेवलप हो जाता है सीडलिंग में। सीडलिंग मतलब बेबी प्लांट। देखो, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है,
इस एम्ब्रियो को जब सूटेबल कंडीशन मिलेगा, मतलब मिट्टी, हवा, पानी मिलेगा, तो ये डेवलप हो जाएगा बेबी प्लांट में, सीडलिंग में, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। इस चीज को डायग्राम से समझते हैं। हमारे बुक में ग्राम सीड का डायग्राम दिया हुआ है, मैंने मैंगो सीड के डायग्राम को बनाया है। जब हम आम के बीज को मिट्टी में डालते हैं और पानी देते रहते हैं, तो कुछ दिन के बाद सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है वो जर्मिनेट करता है और उससे दो स्ट्रक्चर निकलता है। एक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जाता है जिसको प्लूम्यूल कहते हैं, और एक स्ट्रक्चर नीचे की तरफ जाता है जिसको रेडिकल कहते हैं। रेडिकल आगे डेवलप हो जाता है रूट में, और प्लूम्यूल आगे डेवलप हो जाता है शूट में। ये जो छोटा ऐसा प्लांट बना, बेबी प्लांट बना, इसी को सीडलिंग कहते हैं। यही सीडलिंग धीरे धीरे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, बिग मैंगो ट्री बन जाता है, और फिर उसमें फल पकड़ता है, मैंगो पकड़ता है। इस तरह से फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट, और उसके बाद जर्मिनेशन होता है। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हम इंसान भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब हम लोगों में भी एक मेल चाहिए और एक फीमेल चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन ये मेल और फीमेल तभी रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। जब तक हम सेक्सुअली मैच्योर नहीं हो जाते तब तक हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और सेक्सुअल मैच्योरिटी को इंग्लिश में प्यूबर्टी कहते हैं और हिंदी में यौवन कहते हैं। हम इंसान तभी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाते हैं जब हम युवावस्था को, और यू कैन से यौवन को, और यू कैन से प्यूबर्टी को प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जब हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं तभी हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, उसके पहले रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। देखो, हमारे पैदा होने से लेकर के 10 साल तक का जो पीरियड होता है, जो फेज होता है, वो इंग्लिश में चाइल्डहुड कहलाता है, हिंदी में बाल्यावस्था कहलाता है। 10 साल के बाद 19 साल तक का जो पीरियड होता है ये इंग्लिश में एडोलेसन कहलाता है और हिंदी में किशोरावस्था कहलाता है। 19 साल के बाद का जो फेज होता है वो हिंदी में वयस्क अवस्था कहलाता है और इंग्लिश में एडल्टहुड कहलाता है। मतलब किशोरावस्था, दैट इज एडोलेसन, एडल्टहुड और चाइल्डहुड के बीच का पीरियड है, और प्यूबर्टी वो पीरियड है जो एडोलेसन के दौरान आता है। प्यूबर्टी के दौरान हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप करना शुरू कर देता है और फंक्शनल हो जाता है। मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को टेस्टिस कहते हैं और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ओवरी कहते हैं। प्यूबर्टी वो पीरियड है जब टेस्टिस एंड ओवरी काम करने लगता है, मतलब टेस्टिस स्पर्म बनाने लगता है और ओवरी ओवम बनाने लगता है, और ये प्यूबर्टी एडोलेसन के शुरुआती दौर पे ही आ जाता है। लड़कियों में प्यूबर्टी 10 से 12 साल के बीच आ जाता है और लड़कों में प्यूबर्टी 12 साल से 14 साल के बीच आ जाता है। प्यूबर्टी के बाद से स्पर्म्स एंड ओवम बनना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ टेस्टिस एंड ओवरी कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करने लगता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, और इन हार्मोन की वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होने लगता है। फीमेल बॉडी में और मेल बॉडी में चेंजेस अलग अलग होता है, लेकिन कुछ चेंजेस कॉमन भी होता है। इन सभी चेंजेस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि इन चेंजेस को बहुत एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ पॉइंट्स बताते जाऊंगी, आप लोग समझ जाओगे। वो इसलिए क्योंकि आप लोग अभी इसी फेज से गुजर रहे हो, इसी प्यूबर्टी वाले फेज से गुजर रहे हो। प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों का ब्रेस्ट डेवलप होने लगता है, निप्पल्स डार्क होने लगता है, वॉइस का पिच हाई हो जाता है, पेल्विस और हिप, मतलब पेट के नीचे का जो पोर्शन है वो चौड़ा होने लगता है, ओवरी के अंदर ओवम बनने लगता है, और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है। ओवरी, ओवम और मेंस्ट्रुएशन के बारे में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब मेल बॉडी में होने वाले चेंजेस को देखते हैं। लड़कों के चेहरे पे थिक हेयर ग्रो करने लगता है, मतलब दाढ़ी मूछ आने लगता है, उनका आवाज फट जाता है, मतलब आवाज भारी हो जाता है, और उनका शोल्डर चौड़ा हो जाता है। गर्ल्स का हिप पोर्शन चौड़ा हो जाता है और बॉयज का शोल्डर चौड़ा हो जाता है।
बॉयज का पेनिस कभी कभी दैट इज ओकेजनली एनलार्ज्ड और इरेक्ट हो जाता है, उनका टेस्टिस ग्रो कर जाता है और स्पर्म प्रोड्यूस करने लगता है। जब हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उस वक्त हम लोग टेस्टिस एंड स्पर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब कुछ कॉमन चेंजेस के बारे में जान लेते हैं जो लड़का और लड़की दोनों में पाया जाता है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के आर्मपिट और जेनिटल एरिया में थिक हेयर ग्रो करने लगता है। दोनों के आर्म्स पे, लेग्स पे, फेस पे थिन हेयर, पतला हेयर आने लगता है। बॉयज एंड गर्ल्स दोनों का स्किन ऑयली होने लगता है और ऑयली स्किन की वजह से पिंपल्स आने लगता है। प्यूबर्टी की वजह से होने वाले ये चेंजेस ही सेक्सुअल मैच्योरिटी का साइन है। इन्हीं चेंजेस को और इन्हीं कैरेक्टर्स को, जैसे मूछ, दाढ़ी, डेवलप्ड ब्रेस्ट, इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी कहते हैं। वो कैरेक्टर जो जन्म के साथ ही होता है, जैसे पेनिस, ओवरी, टेस्टिस, इनको हम प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, और वो कैरेक्टर जो प्यूबर्टी के बाद डेवलप होता है उसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। और जब एक लड़का सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो वो मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है, और जब एक लड़की सेक्सुअली मैच्योर हो जाती है तो वो फीमेल गैमेट ओवम बनाती है। ये स्पर्म और ओवम ही फ्यूज करता है, फ्यूज करने के बाद डेवलप करता है और बनाता है बेबी ह्यूमन बीइंग। ये स्पर्म कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, और ये ओवम कैसे बनता है, कहाँ बनता है, ये हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान तभी रिप्रोड्यूस कर सकता है जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, और जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है तो उनका बॉडी अलग अलग दिखता है। एक लड़का का बॉडी अलग दिखता है, एक लड़की का बॉडी अलग दिखता है, क्योंकि उनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी की वजह से। और इंसानों के अंदर सिर्फ एक ऑर्गन नहीं होता रिप्रोडक्शन के लिए, बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन के लिए। इस क्लास में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। हम इंसानों के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो मेन फंक्शन होता है। पहला जर्म सेल, दैट इज स्पर्म प्रोड्यूस करना, और दूसरा उस स्पर्म को फर्टिलाइजेशन के साइट तक पहुंचाना। चलो अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स को और उसके फंक्शन को समझते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह का ऑर्गन पाया जाता है। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस के अलावा जितना भी ऑर्गन होता है उनको हम या तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, या फिर एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, या फिर सपोर्टिंग सेक्स ऑर्गन कहते हैं। मेल के अंदर एक पेयर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मतलब मेल के अंदर दो टेस्टिस होता है और इसका शेप ओवल होता है। ये टेस्टिस बना होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से, मतलब टेस्टिस के अंदर बहुत सारा ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। इस ट्यूब्यूल्स को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं, और ये ट्यूब्यूल्स ही टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम करता है। टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, और ये टेस्टोस्टेरोन स्पर्म फॉर्मेशन को तो रेगुलेट करता ही है, साथ ही साथ प्यूबर्टी के समय बॉयज के बॉडी में जो चेंजेस आता है उसको भी रेगुलेट करता है। लास्ट क्लास में हम लोग उन चेंजेस को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और ये टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक स्मॉल पाउच में होता है, बैग में होता है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं। मतलब स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है और ये स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन को बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। देखो, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए, 2 डिग्री कम चाहिए। इसीलिए स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। देखो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। मैंने हाफ पोर्शन को बनाया है और हाफ पोर्शन को नहीं बनाया है। ये जो ओवल सेपिड स्ट्रक्चर है, ये है टेस्टिस, और टेस्टिस
एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में है। इस बैग को कहते हैं स्क्रोटम और ये स्ट्रक्चर एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। टेस्टिस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जो स्पर्म को यूरेथ्रा तक ले जाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाता है, इसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस को स्पर्म डक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये स्पर्म कैरी करता है। वास डिफरेंस स्पर्म को टेस्टिस से यूरेथ्रा तक ले जाता है और ये यूरेथ्रा एक ऐसा नली है, एक ऐसा डक्ट है जो यूरिनरी ब्लडर से निकलता है। जब हम लोग यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग में, तो हम लोग देखे थे दो किडनी होता है, किडनी से दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको यूरेटर कहते हैं, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में जाकर मिल जाता है जिसको हम लोग यूरिनरी ब्लडर कहते हैं, और यूरिनरी ब्लडर से एक लॉन्ग ट्यूब, एक डक्ट निकलता है जिसको यूरेथ्रा कहते हैं, और ये यूरेथ्रा यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। और ये वास डिफरेंस जो स्पर्म को कैरी करता है, ये भी यूरेथ्रा में आकर के मिल जाता है। मतलब ये यूरेथ्रा यूरिन को भी बाहर निकालने का काम करता है और स्पर्म को भी बाहर निकालने का काम करता है। दैट मीन्स यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म। नाउ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ग्लैंड पाया जाता है, एक सेमिनल वेसिकल और दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड वास डिफरेंस के रास्ते में होता है। मतलब ये दोनों ग्लैंड अपना सिक्रीशन वास डिफरेंस में डालता है। ये दोनों ग्लैंड जिस फ्लूइड को सिक्रीट करता है, वो फ्लूइड स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और स्पर्म को मीडियम देता है ट्रांसपोर्ट के लिए। इन दोनों ग्लैंड्स का फ्लूइड और स्पर्म मिल करके ही सीमेन बनता है। देखो, टेस्टिस से वास डिफरेंस निकला स्पर्म ने करके, अब ये वास डिफरेंस जब थोड़ा आगे जाता है तो सेमिनल वेसिकल मिलता है, सेमिनल वेसिकल अपना फ्लूइड वास डिफरेंस में दे देता है। फिर ये स्पर्म और सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड मिलकर के आगे बढ़ा तो यहाँ पे मिला प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड भी अपना फ्लूइड वास डिफरेंस में डाल देता है। अब वास डिफरेंस के अंदर स्पर्म है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड का भी फ्लूइड है। तीनों मिलकर बन गया सीमेन। अब ये सीमेन आ गया यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा से होते हुए ये सीमेन बाहर निकल आएगा। देखो डायग्राम में यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पे चार डक्ट है एक्चुअली, दो वास डिफरेंस का डक्ट, एक यूरेथ्रा और एक प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट। प्रोस्टेट ग्लैंड का डक्ट पीछे से है इसलिए डायग्राम में मैं नहीं दिखा पाई, लेकिन इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि स्पर्म टेस्टिस से निकल करके वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस में ये सेमिनल वेसिकल फ्लूइड से मिलता है, उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड के फ्लूइड से मिलता है और सीमेन बन जाता है। फिर ये सीमेन यूरेथ्रा में आ जाता है और यूरेथ्रा से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये यूरेथ्रा एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर के बीच होता है जिसको पेनिस कहते हैं। ये पेनिस स्पर्म को फीमेल वेजीना तक ट्रांसफर करने में हेल्प करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। मतलब ये पेनिस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही होता है। नाउ स्पर्म मेल गैमेट को कहते हैं, मेल जर्म सेल को कहते हैं। ये बहुत छोटा मूवेबल बॉडीज होता है। स्पर्म बना होता है जेनेटिक मटेरियल से और एक लंबा टेल से। जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम। स्पर्म बना होता है 23 क्रोमोसोम से और स्पर्म का लंबा टेल हेल्प करता है इसको ओवम की तरफ जाने में। देखो ये है स्पर्म का डायग्राम। ऊपर वाले ओवल पोर्शन को हेड कहते हैं, बीच वाले पोर्शन को मिडिल पीस कहते हैं एंड लास्ट लॉन्ग पोर्शन को टेल कहते हैं। ये टेल स्पर्म को मूव करने में हेल्प करता है, मिडिल पीस एनर्जी देता है और हेड में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज 23 क्रोमोसोम होता है। दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अकॉर्डिंग टू आवर बुक। इस क्लास में हम लोग ह्यूमन का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दो मेन फंक्शन होता है।
पहला मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करना और दूसरा उस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पहुंचाना। लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 5 मेन फंक्शन होता है। पहला फीमेल गैमेट एग प्रोड्यूस करना, दूसरा स्पर्म को रिसीव करना, तीसरा फर्टिलाइजेशन के लिए जगह देना, चौथा एम्ब्रियो को इम्प्लांट करना और पांचवा फीटस को डेवलप करना। अब हम लोगों को ये जानना है कि कौन सा ऑर्गन कौन सा फंक्शन करता है, क्योंकि एग्जाम्स में मेनली यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है दो ओवरी से, मतलब वन पेयर ओवरी से, वन पेयर ओविडक्ट और यू कैन से फेलोपियन ट्यूब से, एक यूटेरस से, एक सर्विक्स से और एक वजीना से। चलो अब हर एक ऑर्गन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला है ओवरीज। ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जिस तरह से मेल में टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, उसी तरह से फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। ह्यूमन में मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होता है क्योंकि ये मेल गैमिट बनाता है, और फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवरी होता है क्योंकि ये फीमेल गैमिट बनाता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो, जिस ह्यूमन में टेस्टिस पाया जाता है वो मेल होता है और जिस ह्यूमन में ओवरी पाया जाता है वो फीमेल होती है। ह्यूमन फीमेल में दो ओवरी पाया जाता है, मतलब एक पेयर ओवरी पाया जाता है और इसका शेप ओवल होता है। ये पाया जाता है एब्डोमिनल कैविटी में, किडनी के पास पाया जाता है। मतलब एक ओवरी एक किडनी के पास होता है तो दूसरा ओवरी दूसरा किडनी के पास होता है। एक गर्ल के ओवरीज में जन्म से ही थाउजेंड्स ऑफ एग्स होता है, लेकिन ये एग्स इमैच्योर होता है। आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी, मतलब यौवन अवस्था से, हर महीने एक अंडा मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है दोनों में से एक ओवरी के द्वारा। मतलब एक मंथ में लेफ्ट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा तो दूसरे मंथ में राइट ओवरी एग प्रोड्यूस करेगा, फिर तीसरे मंथ में लेफ्ट, फिर चौथे मंथ में राइट। इस तरह से अल्टरनेट ओवरी हर महीने एक अंडे को मैच्योर करता है और उसको प्रोड्यूस करता है। ये ओवरीज एग प्रोड्यूस करने के साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन ऑयस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है। ऑयस्ट्रोजन को एस्ट्रोजन भी कहते हैं। ऑयस्ट्रोजन ब्रिटिश इंग्लिश है एंड एस्ट्रोजन अमेरिकन इंग्लिश है। जब हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एनिमल हार्मोन्स पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को पढ़ा है। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर एग फॉर्मेशन को प्रमोट करता है एंड फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है, और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। चलो अब डायग्राम में ओवरीज को देखते हैं। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर, और ये जो ओवल शेपेड स्ट्रक्चर है ये है ओवरीज। ओवरीज एब्डोमिनल कैविटी में किडनी के पास पाया जाता है। ओवरीज के अंदर एग्स बनता नहीं है, थाउजेंड्स ऑफ एग जन्म से ही ओवरी के अंदर रहता है। प्यूबर्टी के बाद हर महीने एक ओवरी से एक एग मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है। अगर एक महीने राइट ओवरी से एक एग प्रोड्यूस हुआ तो दूसरे महीने लेफ्ट ओवरी से एक एग प्रोड्यूस होगा, तीसरे महीने फिर राइट ओवरी से, चौथे महीने फिर लेफ्ट ओवरी से। इस तरह से हर महीने एक एग मैच्योर होता है और प्रोड्यूस होता है। इस तरह एक ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली 13 ईयर से लेकर के 50 ईयर तक एक एग को मैच्योर करती है एंड प्रोड्यूस करती है एवरी मंथ। एंड आफ्टर 50 जब उसके ओवरी का एग खत्म हो जाता है तो फिर वो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ ह्यूमन मेल के टेस्टिस में प्यूबर्टी के बाद लाइफ लॉन्ग स्पर्म बनता है। मतलब एक फीमेल पर्टिकुलर एज तक ही रिप्रोड्यूस कर सकती है क्योंकि उसके पास फिक्स नंबर ऑफ एग होता है। एग खत्म हो जाने के बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मतलब रख लो ऑलमोस्ट 50 के आसपास तक वो रिप्रोड्यूस कर सकती, उसके बाद वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन एक मेल प्यूबर्टी के बाद से लाइफ लॉन्ग तक रिप्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग स्पर्म प्रोड्यूस कर सकता है।
चलो वापस अब ओवरी पे आ जाते हैं। ओवरी के अंदर जब एक एग मैच्योर हो जाता है तो उस एग को ओविडक्ट अपने अंदर ले लेता है। ओविडक्ट को हम लोग फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्योंकि दो ओवरी है तो दो फेलोपियन ट्यूब भी होता है। जब एग सेल मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर एग को ओविडक्ट लेता है और उसको यूटरस तक पहुंचाता है। वैसे तो ओविडक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ओवरी के पास आकर के ये फनल शेपेड हो जाता है और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को फिम्ब्री कहते हैं। ये फिंगर लाइक फिम्ब्री ही ओवरी से मैच्योर एग को खींच करके फेलोपियन ट्यूब में लाता है। सिंपली इतना याद रखो कि ओवरी के बाद एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एग्स को ओवरी से यूटरस तक ले जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, ये फेलोपियन ट्यूब ही फर्टिलाइजेशन का जगह होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है। फेलोपियन ट्यूब दैट इज ओविडक्ट दो होता है और ये दोनों ओविडक्ट जाकर मिल जाता है एक इलास्टिक पियर शेपेड बैग लाइक स्ट्रक्चर से। इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही यूटरस कहते हैं। यूटरस को वूम भी कहते हैं। यूटरस में एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है और फीटस का डेवलपमेंट भी यूटरस में ही होता है। यूटरस के नैरो और लोअर पोर्शन को सर्विक्स कहते हैं जो वेजिना में जाकर खुलता है। डायग्राम में देखो, ये पियर सेपेट बैग लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर ही यूटरस है। यूटरस के अपर पोर्शन में दो ओविडक्ट आकर मिला है और इसका जो लोअर नैरो पोर्शन है, इस नैरो पोर्शन को सर्विक्स कहते हैं। यूटरस में ही एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और फीटस का डेवलपमेंट होता है। फीमेल बॉडी में यूटरस रेक्टम और यूरिनरी ब्लडर के बीच में होता है और यूटरस का जो लोअर और नैरो पोर्शन होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स आगे एक्सटेंड हो जाता है एक मस्कुलर ट्यूब में। इस मस्कुलर ट्यूब को वेजिना कहते हैं। वेजिना के आगे जो स्ट्रक्चर होता है इसको वॉल्वा कहते हैं। वॉल्वा हमको दिखाई देता है, ये एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है। वेजिना तक हम लोगों को दिखाई नहीं देता, ये बॉडी के अंदर होता है, लेकिन वॉल्वा बॉडी के बाहर होता है, ये हम देख सकते हैं। वॉल्वा हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है। ओके, वॉल्वा में दो ओपनिंग होता है, ऊपर की तरफ एक ओपनिंग, नीचे की तरफ एक ओपनिंग। ऊपर वाला ओपनिंग यूरेथ्रा के लिए होता है और नीचे वाला ओपनिंग वेजिना के लिए होता है। सो वॉल्वा एक्सटर्नल फीमेल सेक्स ऑर्गन है, वो ऑर्गन जो हम देख पाते हैं, और वजीना मस्कुलर ट्यूब लाइक एक्सटेंशन है जो सर्विक्स से एक्सटेंड हुआ है। इसका काम है स्पर्म को रिसीव करना और ये बर्थ कैनल की तरह भी काम करता है। देखो, सर्विक्स के बाद जो मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको वजीना कहते हैं। वजीना स्पर्म को रिसीव करता है और ये बर्थ कैनल की तरह भी काम करता है। बर्थ कैनाल की तरह काम करता है मतलब बच्चा इसी रास्ते से बाहर निकलता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट ऑर्गन्स को समझ गए। अब समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कैसे होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस मतलब फर्टिलाइज्ड एग दैट इज जायगोट कैसे डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो कैसे डेवलप हो जाता है फीटस में एंड चाइल्ड में। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन को पहले समझते हैं। फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है मेल गैमिट और फीमेल गैमिट का फ्यूज करके जायगोट बनाना। अगर डेफिनेशन पूछता है फर्टिलाइजेशन का तो लिखोगे फ्यूजन ऑफ मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट टू फॉर्म जायगोट। देखो, ह्यूमन बीइंग में फीमेल गैमिट एग होता है और मेल गैमिट स्पर्म होता है। ओवरी के अंदर एक एग मैच्योर हुआ और इस एग को ओविडक्ट अपने अंदर ले लिया। इस एग के पास स्पर्म को आना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। अब स्पर्म एग के पास कैसे आता है ये समझते हैं। जब पापा का पेनिस मम्मी के वेजाइना के अंदर जाता है तो इसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं या फिर कोपुलेशन कहते हैं। हम लोग थोड़ी देर पहले समझे हैं कि वॉल्वा वो ऑर्गन है जो बाहर से दिखाई देता है, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन है।
इसमें दो ओपनिंग होता है, अपर ओपनिंग यूरेथ्रा के लिए होता है और लोअर ओपनिंग वजीना के लिए होता है। पापा का पेनिस लोअर ओपनिंग से वजीना के अंदर जाता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और वेजिनल पैसेज में सीमेन रिलीज कर देता है। इस सीमेन के अंदर बहुत सारा स्पर्म होता है और ये बहुत सारा स्पर्म्स स्विम करते हुए सर्विक्स से गुजरता है, फिर यूटेरस से गुजरता है और यूटेरस से होते हुए ओविडक्ट में आ जाता है ओवम के पास, एग के पास। ओवम के पास स्विम करते हुए बहुत सारा स्पर्म आ जाता है लेकिन एग के साथ फ्यूज करता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म। और जब एक स्पर्म सक्सेसफुली फ्यूज हो जाता है एग के साथ तो एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, मतलब जाइगोट बन जाता है। इस फ्यूजन को ही फर्टिलाइजेशन कहते हैं और फर्टिलाइज्ड एग को जाइगोट कहते हैं। सो अभी हम लोग ये समझे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म एंटर करता है वेजिनल पैसेज के थ्रू ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और ये स्पर्म्स स्विम करता हुआ यूटरस के अंदर जाता है थ्रू सर्विक्स और यूटरस से पहुंच जाता है ओविडक्ट में जहां पे ओवम है, जहां पे एग है। ओविडक्ट में एग के पास बहुत सारा स्पर्म पहुंचता है लेकिन फ्यूज सिर्फ एक ही स्पर्म करता है जाइगोट बनाने के लिए। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन हो गया, एग फर्टिलाइज्ड हो गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है। अब ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो डेवलप होगा फीटस में, फीटस डेवलप हो जाएगा चाइल्ड में। मतलब हर इंसान अपना लाइफ एक सेल से स्टार्ट करता है और इस डेवलपमेंट को ही हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर पढ़ते हैं। ओविडक्ट के अंदर अब वन सेल स्ट्रक्चर जाइगोट है। ये जाइगोट बना हुआ है 46 क्रोमोसोम से। मेल गैमेट स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम होता है, फीमेल गैमेट ओवम के अंदर भी 23 क्रोमोसोम होता है। ये दोनों गैमेट जब मिल जाता है तो बन जाता है 46 क्रोमोसोम का वन सेल स्ट्रक्चर जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होगा, तो वो कैसे होगा? इस जाइगोट के अंदर रिपीटेडली माइटोटिक डिवीजन होगा और ये वन सेल स्ट्रक्चर बदल जाएगा बहुत सारे सेल्स के एक बॉल में। इस बॉल को एम्ब्रियो कहते हैं। देखो, एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनेगा, दो सेल डिवाइड होकर चार सेल बनेगा, चार सेल डिवाइड होकर के आठ सेल बनेगा, फिर डिवीजन होगा 16 सेल बनेगा और इस तरह से डिवाइड होते होते एम्ब्रियो जो है वो 200 से 300 सेल तक का बन जाता है और इतना होने में 5 से 6 दिन लगता है। 5 से 6 दिन तक एम्ब्रियो के अंदर डिवीजन होता रहता है और ओविडक्ट एम्ब्रियो को आगे बढ़ाता रहता है। 6 दिन के बाद जब ये एम्ब्रियो 200 से 300 सेल का बन जाता है तो इस एम्ब्रियो को यूटरस में पहुंचा दिया जाता है और ये एम्ब्रियो यूटरस के वॉल में जाकर फिक्स हो जाता है, यूटरस के वॉल में जाकर एम्बेडेड हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। एम्ब्रियो का यूटरस के वॉल में एम्बेडेड होना ही, फिक्स होना ही इम्प्लांटेशन कहलाता है एंड दिस लीड्स टू प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद भी एम्ब्रियो के अंदर ग्रोथ कंटिन्यू रहता है, धीरे धीरे उसमें सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये फीटस में बदल जाता है। देखो बहुत आसान है, जाइगोट जो कि वन सेल स्ट्रक्चर है इसके अंदर रिपीटेडली डिवीजन होता है और ये बहुत सेल का एक बॉल बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ये एम्ब्रियो यूटरस के वॉल में जाकर फिक्स हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है। इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। इम्प्लांटेशन के बाद भी एम्ब्रियो में ग्रोथ कंटिन्यू रहता है और एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है और एम्ब्रियो बदल जाता है फीटस में। ग्रोइंग एम्ब्रियो को मदर्स के बॉडी से न्यूट्रिशन मिलता है एक स्पेशल टिश्यू के द्वारा, उस स्पेशल टिश्यू को प्लासेंटा कहते हैं। प्लासेंटा को हम लोग डिटेल में समझेंगे अभी, उसके पहले हम लोग ये समझते हैं कि जाइगोट एम्ब्रियो और फीटस में क्या डिफरेंस है। जाइगोट वन सेल स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और इस जाइगोट में जब रिपीटेडली डिवीजन होता है तो बहुत सारे सेल का एक बॉल बन जाता है, इसको एम्ब्रियो कहते हैं।
इस एम्ब्रियो में जब फर्दर डेवलपमेंट होता है तो ऑर्गन्स बन जाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाता है और ये बेबी के तरह दिखता है। इस स्ट्रक्चर को फीटस कहते हैं। प्लासेंटा एक डिस्क के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो यूटरिन वॉल मतलब यूटरस का वॉल और एम्ब्रियो के बीच में कनेक्शन बनाता है। प्लासेंटा में बहुत सारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली होता है और ये विली एम्ब्रियो साइड में होता है। मदर साइड में दैट इज यूटरस वॉल के तरफ में ब्लड स्पेस होता है, मतलब विली जो होता है वो ब्लड स्पेस के अंदर घुसा हुआ होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो ब्लड स्पेस विली को घेरे हुए होता है। प्लासेंटा और एम्बिलिकल कॉर्ड का डायग्राम देख लो पहले, तब बहुत अच्छे से समझ सकोगे। देखो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ये है प्लासेंटा, और प्लासेंटा से जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकला है और फीटस के नेवल तक गया है इसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। अब इस पिक्चर में प्लासेंटा को ध्यान से देखो। प्लासेंटा में जो ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो पर्पल कलर से दिखाया गया है यही है प्लासेंटा का विली। देखो एम्ब्रियो को डेवलपमेंट के लिए ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ये इसको मदर्स बॉडी से मिलता है थ्रू प्लासेंटा। और एम्ब्रियो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करता है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालना होगा, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट प्लासेंटा के थ्रू मदर्स बॉडी में चला जाता है और मदर्स बॉडी से ये बाहर निकल जाता है। मतलब एम्ब्रियो और मदर्स बॉडी के बीच में न्यूट्रिएंट्स का, ऑक्सीजन का एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज होता है थ्रू प्लासेंटा। और इस एक्सचेंज के लिए विली लार्ज सरफेस एरिया क्रिएट करता है। फीटस डायरेक्टली प्लासेंटा के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहता, प्लासेंटा से एक लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। ये लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर ही प्लासेंटा को फीटस के साथ में जोड़ता है। इस स्ट्रक्चर को अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। प्लासेंटा से तो मटेरियल एक्सचेंज होता ही है लेकिन डायरेक्ट नहीं होता, अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए होता है। इस तरह से मदर के वूम में, मदर के यूटरस में चाइल्ड डेवलप होता है और इस डेवलपमेंट को अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ लगता है। आफ्टर 9 मंथ जब फीटस मेच्योर हो जाता है तो यूटरस में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही चाइल्ड का बर्थ होता है। देखो जब फीटस पूरा डेवलप हो जाता है यूटरस के अंदर तो यूटरस के वॉल में रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से चाइल्ड बाहर निकलना शुरू करता है। पहले सर्विक्स से बाहर निकलता है, वेजीना में आता है, फिर वेजीना से आगे बढ़ते हुए वॉल्वा के लोअर ओपनिंग से बाहर आ जाता है और इस तरह से एक न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है। और ये तब होता है जब एग फर्टिलाइज होता है, और जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होता है। पिछले ही क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्यूबर्टी से ही ह्यूमन फीमेल के अंदर ओवरी हर महीने एक एग रिलीज करता है और ओवरी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी सिक्रीट करता है। और हम लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। वो कैसे करता है अभी समझते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से यूटेरस भी अपने आप को हर महीने तैयार करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। देखो हर महीने यूटेरस के इनर वॉल में, ये यूटेरस के इनर वॉल में बहुत सारा न्यू सेल्स बनता है। इसकी वजह से यूटेरस का इनर वॉल थिक और स्पंजी हो जाता है। सो दैट फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो यूटरस में आए तो एम्ब्रियो को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल सके, प्रॉपर नरिशमेंट मिल सके। देखो यूटरस में ही एम्ब्रियो और फीटस 9 महीने रहता है, इसीलिए यूटरस के वॉल का थिक होना, स्पंजी होना बहुत जरूरी है ताकि वो फीटस को न्यूट्रिशन दे सके। अब ध्यान से समझो, जब ओवरी से एग रिलीज होता है तो ये एग पहुंच जाता है ओविडक्ट में। ओविडक्ट में पहुंचने के बाद ये एग
एक दिन तक जिंदा रहता है, मतलब एक दिन तक वो वेट करता है स्पर्म का ताकि वो फर्टिलाइज हो सके। अगर वो उस एक दिन में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एक दिन के बाद ये एग रैप्चर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो यूटरस का थिक एंड स्पॉन्जी वॉल किसी काम का नहीं रहा, तब ये थिक और स्पॉन्जी यूटरिन वॉल धीरे धीरे टूट जाता है। एग तो रैप्चर हो ही गया था, यूटरिन वॉल भी धीरे धीरे रैप्चर हो जाता है और बाहर निकल आता है वेजिना के थ्रू एज ब्लड एंड म्यूकस। ये ब्लड और म्यूकस वॉल्वा के लोअर ओपनिंग से बॉडी के बाहर निकलता है। इसी ब्लड एंड म्यूकस के शेडिंग को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन हर महीने होता है और 3 से 5 दिन तक होता है। अभी तक हम लोग ये समझे हैं कि हर महीने एक एग रिलीज होता है और हर महीने यूटरस भी अपने आप को तैयार करता है, अपने लाइनिंग को थिक करता है, स्पॉन्जी बनाता है एक्सपेक्टेड एम्ब्रियो को नरिश करने के लिए। ओविडक में एग एक दिन जिंदा रहता है और वेट करता है फर्टिलाइजेशन का, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एग रैप्चर हो जाता है, साथ ही साथ यूटरिन वॉल भी धीरे धीरे टूट जाता है एंड वेजिना के थ्रू बाहर आ जाता है एज ब्लड एंड म्यूकस। इसी ब्लड एंड म्यूकस के शेडिंग को ही मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन हर एक महीने होता है और 3 से 5 दिन तक होता है। हमारे एनसीईआरटी में 2 to 8 days लिखा हुआ है, लेकिन जनरली ये 3 to 5 days ही होता है। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है। इस क्लास में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का ही हेल्दी होना या फिर डिजीज फ्री होना नहीं होता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी एस्पेक्ट्स है उन सब एस्पेक्ट्स का अच्छा होना। That means reproductive health refers to a total well-being in all aspects of reproduction. देखो, क्लास 9 में मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ कि हेल्दी होने का मतलब सिर्फ डिजीज फ्री होना ही नहीं होता, सिर्फ फिजिकली फिट होना ही नहीं होता। हेल्दी होने का मतलब होता है फिजिकली फिट होना, मेंटली फिट होना, सोशली भी फिट होना। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली फिट होना, दैट इज हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फिट होना, मेंटली फिट होना, सोशली फिट होना, साथ ही साथ बिहेवियर वाइज भी फिट होना, इमोशनली भी फिट होना। इन सभी एस्पेक्ट्स को हम 2 एस्पेक्ट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। पहला हो गया पर्सनल एस्पेक्ट और दूसरा हो गया सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अब तक हम लोग जान चुके हैं फ्रॉम द एज ऑफ 12 एंड 13 अ गर्ल कैन प्रोड्यूस एग एंड अ बॉय कैन प्रोड्यूस स्पर्म, बट दिस डजंट मीन कि वो रिप्रोड्यूस करने लगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए ना तो उनका बॉडी अभी पूरी तरह से तैयार हुआ है, ना ही वो मेंटली पूरी तरह से तैयार हुए हैं और ना ही वो इकोनॉमिकली तैयार है। अभी तो वो लोग खुद अपने पापा मम्मी पे डिपेंडेंट है ईच एंड एवरी थिंग्स के लिए। देखो, आप लोग जिस एज में हो इस एज में सेक्स हॉर्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन ज्यादा रिलीज होगा, इसकी वजह से आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, लेकिन आप लोगों को अपने इमोशंस को, अपने बिहेवियर को कंट्रोल में रखना होगा, बिकॉज सेक्सुअल एक्टिविटी लीड्स टू प्रेगनेंसी और सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होने का भी खतरा होता है। अभी आप लोगों का एज है पढ़ने लिखने का, अपना करियर बनाने का, सो कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर बिहेवियर्स और पूरा फोकस अपने करियर पे डाल दो। जब आप बड़े हो जाओ, इकोनॉमिकली सेटल हो जाओ, करियर में सेटल हो जाओ, तब आप मैरिज के बारे में सोचो, रिप्रोडक्शन के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में सोचो। एट दैट टाइम आफ्टर मैरिज यू नीड टू अवॉइड अनवॉन्टेड प्रेगनेंसी, यू नीड टू प्लान योर फैमिली। साथ ही साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से कैसे बचा जाए ये भी जानना जरूरी है।
इसीलिए हम लोगों को क्लास 8 से ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है, ताकि हम लोगों को ये सारा जानकारी हो सके, और ये सब कुछ आता है पर्सनल एस्पेक्ट्स में। नाउ सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। हमारे सोसाइटी में जनरली बॉयज आर मनी मेकर एंड गर्ल्स आर होम मेकर। अभी तो ये परसेप्शन थोड़ा कमा है, पहले बहुत ज्यादा था। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि फीमेल बेबी को मदर्स वूम में ही मार दिया जाता है। इसकी वजह से किसी किसी एरिया में फीमेल सेक्स रेशियो कम गया है, और हेल्दी सोसाइटी वही है जो मेल फीमेल सेक्स रेशियो को मेंटेन रखे। एक हेल्दी सोसाइटी जेंडर बायस नहीं होता और उसमें मेल फीमेल सेक्स रेशियो मेंटेन रहता है। ये तो हो गया सेक्स रेशियो। नाउ पॉपुलेशन। हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। जिस रेट से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, इसको अगर नहीं रोका गया तो इकोनॉमिकल कंडीशन का डामाडोल हो जाएगा। हम इंसानों को प्रॉपर रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड है ना। इसीलिए बर्थ रेट पे कंट्रोल होना जरूरी है। और आज के डेट में कोई भी कपल 2 से ज्यादा बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे असर पड़ता है। इसीलिए एवरी कपल शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो मेथड है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से होने वाले प्रेगनेंसी को रोकता है। मींस यू कैन हैव सेक्स बट यू कैन नॉट हैव बेबी। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को कॉन्ट्रासेप्शन भी कहते हैं। हमारे बुक में ये 3 तरह का दिया हुआ है। पहला है मैकेनिकल मेथड और बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, और तीसरा है सर्जिकल मेथड। देखो, रिप्रोडक्शन के लिए, दैट इज बच्चे को पैदा करने के लिए इंटरकोर्स जरूरी नहीं है, बल्कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में मिलना जरूरी है। अगर एक कपल इंटरकोर्स करता है लेकिन उसका स्पर्म और ओवम आपस में नहीं मिलता तो बच्चे पैदा नहीं होंगे। कॉन्ट्रासेप्शन का सबसे पहला मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब होता है रुकावट, ऑब्स्टिकल। इस मेथड में ओवम एंड स्पर्म के बीच में फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है। इस मेथड में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। बैरियर मेथड में सबसे पहला एग्जांपल है मेल कॉन्डम। मेल कॉन्डम एक तरह का रबर शीट होता है। शीट मतलब कवरिंग। एक तरह का कवरिंग होता है जो पीनस के ऊपर पहना जाता है। देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये है ओवरी। ओवरी से एग रिलीज हुआ और फेलोपियन ट्यूब में चला गया, ओविडक्ट में चला गया। ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल पार्टनर का पीनस फीमेल के वेजिना में एंटर करता है और यहाँ पे स्पर्म रिलीज करता है। ये स्पर्म यूटरस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब में जाता है और एग के साथ फर्टिलाइज करता है। इसी की वजह से बच्चे का बर्थ होता है। लेकिन अगर हम पीनस के ऊपर एक कवरिंग डाल दें, इस कवरिंग को कॉन्डम कहते हैं, तो स्पर्म वेजिना में रिलीज नहीं हो पाएगा, ये कॉन्डम के अंदर ही रह जाएगा। मतलब हम लोगों ने एग और स्पर्म के बीच में एक फिजिकल बैरियर क्रिएट कर दिया है, और ये फिजिकल बैरियर है कॉन्डम। मेल कॉन्डम इज द मोस्ट पॉपुलर एंड बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, क्योंकि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। देखो, मेल पीनस तो एक तरह का लिक्विड रिलीज करता ही है, फीमेल वेजाइना भी एक तरह का लिक्विड रिलीज करता है। ये जो लिक्विड्स है, इसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया या वायरस हो सकता है, एंड ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये लिक्विड्स आपस में मिलते हैं तो डिजीज भी ट्रांसफर होने का खतरा रहता है। लेकिन इस कवरिंग की वजह से, इस कॉन्डम की वजह से ये खतरा नहीं होता। सो कॉन्डम इज द बेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर। हमारे एनसीईआरटी में 4 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम दिया हुआ है। 2 बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, 2 वायरस से होने वाला डिजीज है। बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है गोनोरिया एंड सिफिलिस। गोनोरिया होता है निजेरिया गोनोरी से, एंड सिफिलिस होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम से। वायरस से होने वाला डिजीज है जेनिटल वॉट एंड एड्स। जेनिटल वॉट होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, दैट इज HPV से, एंड एड्स दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है,
HIV से, मतलब ह्यूमन इम्यूनियो डिफिशियंसी वायरस से। नाउ बैरियर मेथड का दूसरा एग्जाम्पल है फीमेल कॉन्डम। फीमेल कॉन्डम में एक तरह का रबर शीट होता है जो वेजाइना में पहनते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज डायफ्राम। डायफ्राम एक तरह का रबर कैप होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स के ऊपर डाला जाता है। देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये हो गया यूटरस। यूटरस का जो लोअर पार्ट है, लोअर एंड नैरो पार्ट, इसको सर्विक्स कहते हैं। सर्विक्स के ऊपर एक तरह का कैप लगा दिया जाता है यू इस तरह से, इसी को कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम की वजह से सर्विक्स क्लोज हो जाता है और स्पर्म अंदर नहीं जा सकता, एक के साथ फर्टिलाइज नहीं कर सकता। नाउ सेकेंड मेथड इज केमिकल मेथड। इन दिस मेथड प्रेगनेंसी इज प्रिवेंटेड बाय केमिकल्स। चूंकि इसमें केमिकल्स का यूज होता है इसीलिए इसका साइड इफेक्ट्स होता है। केमिकल मेथड का सबसे पहला एग्जाम्पल है पील्स। पील्स में हो गया मेरी सहेली, अनवांटेड 72। ये जो पील्स है ये बॉडी में हार्मोन के बैलेंस को चेंज कर देता है, इसकी वजह से ओवरी से एग रिलीज ही नहीं हो पाता है। जब ओवरी एग ही रिलीज नहीं करेगा तो स्पर्म फर्टिलाइज किसके साथ करेगा। दूसरा एग्जाम्पल है स्पर्मिसाइड। स्पर्मिसाइड स्पर्म्स को किल करने वाला क्रीम होता है जो वेजाइना में अप्लाई किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है IUCD। IUCD का फुल फॉर्म होता है इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, और इसमें जो सबसे पॉपुलर है वो है कॉपर टी। कॉपर टी कॉपर का बना हुआ एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको डॉक्टर फीमेल के यूटराइन में, दैट इज फीमेल के यूटरस में प्लेस कर देते हैं। इसकी वजह से यूटरस में एम्ब्रियो इम्प्लांट ही नहीं हो सकता, सो प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल। बट इट हैज साइड इफेक्ट एज इट कॉज इरिटेशन इन द यूटरस। IUCD के पहले तक हम लोग जो भी डिवाइसेस पड़े हैं, जैसे पिल्स हो गया, कॉन्डम हो गया, उनको हम खुद से यूज करते हैं, लेकिन IUCD को डॉक्टर प्लेस करता है। IUCD को हम लोग खुद से नहीं लगा सकते। नाउ थर्ड मेथड इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में प्रेगनेंसी को सर्जिकली प्रिवेंट किया जाता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्जरी, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन गैमेट के पाथ को ही ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि गैमेट बाहर ही ना निकल सके। गैमेट किस रास्ते से निकलता है? मेल में वास डिफरेंस के रास्ते से निकलता है और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब के रास्ते से निकलता है। डॉक्टर मेल के वास डिफरेंस को थोड़ा सा काट करके टाई कर देते हैं, इसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफर रुक जाता है और इस प्रोसेस को वैसेक्टॉमी कहते हैं। देखो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैंने यहाँ पे ग्लैंड्स नहीं बनाया है। टेस्टिस से स्पर्म निकलता है और वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस से यूरेथ्रा में जाता है और यूरेथ्रा से फीमेल वेजाइना में जाता है। डॉक्टर वास डिफरेंस के थोड़े से पोर्शन को काट कर टाई कर देता है, इसकी वजह से स्पर्म का पाथ ब्लॉक हो जाता है और वो यूरेथ्रा में नहीं जा सकता। जब यूरेथ्रा में ही नहीं जा सकता तो फीमेल वेजाइना में कैसे जाएगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कॉप्यूलेशन पीनस से सीमेन नहीं निकलता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सीमेन निकलता है लेकिन उसमें स्पर्म नहीं होता है। टेस्टिस स्पर्म्स तो बनाता है बट दोज स्पर्म्स डाई एंड आर एब्सॉर्ब बाय अवर बॉडी। ये तो हो गया वैसेक्टॉमी। दूसरा है ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूबेक्टॉमी वर्ड फैलोपियन ट्यूब से आया है, जैसे वैसेक्टॉमी वर्ड वास डिफरेंस से आया है। ट्यूबेक्टॉमी में डॉक्टर फीमेल के फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट करके टाई कर देता है। देखो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये है फैलोपियन ट्यूब। डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब को थोड़ा सा कट करता है और उसको टाई कर देता है, इसकी वजह से एग का पाथ ब्लॉक हो गया और स्पर्म एग के साथ मीट नहीं कर सकता है। स्पर्म यूटरस से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक जाता है लेकिन एग तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्यूबेक्टॉमी। अब आप सोच रहे होगे कि ट्यूबेक्टॉमी के बाद क्या मेंस्ट्रुएशन होता है? तो इसका आंसर है यस,
हाँ होता है, क्योंकि यूटरस अपने आप को हर महीने तैयार करता है, उसका लाइनिंग हर महीने थिक होता है, स्पंजी होता है, और पीरियड्स के दौरान ये टूट टूट करके एज अ ब्लीडिंग निकलता है, और ओवरीज एग भी बनाता है, लेकिन वो एग डाई हो जाता है, हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। देखो ये ट्यूबेक्टोमी, ये वेसेक्टोमी लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये ऑपरेशन के थ्रू होता है, इसलिए इसमें कभी कभार बहुत रेयरली इन्फेक्शन का खतरा होता है, और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी होने के बाद आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो कभी भी। सर्जिकल मेथड के अलावा ये जो दो मेथड है ये रिवर्सिबल होता है। मतलब अगर आप पिल्स खाना बंद कर देते हो, आप कॉपर टी हटा देते हो, आप कॉन्डम यूज करना बंद कर देते हो, तो आप बच्चे को जन्म दे सकते हो, लेकिन ट्यूबेक्टोमी एंड वेसेक्टोमी को नहीं हटाया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज गिवन इन आवर एनसीईआरटी। इस टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म्स रिप्रोड्यूस कंप्लीट होता है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी इनटेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप रिवाइजिंग।